नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। कनक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, ये चैनल डेडिकेट है राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग उनके लिए, जो राजस्थान 360 के नाम से ये चैनल है। देखो, इसके बारे में आज कुछ बात करते हैं। चैनल कुछ नया नई चीज़ें लेके आ रहा है आप दोस्तों के लिए। क्रिक आरपीएससी भी थी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखो, प्रिपेयर राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए आप इस चैनल के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही क्या है, अगर आपको प्लस कोर्सेज लेना होता है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली बात क्या है, बहुत बेहतर एजुकेटर के साथ आप वहाँ पर स्टडी करते हो। जैसे विष्णु कुमार के साथ आप वहाँ पर ज्योग्राफी क्लासेस लेंगे आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की, ठीक। इसी प्रकार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, डेली लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आप जो है लाइव क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ले सकते हैं। प्लस कोर्सेज में आपको प्रैक्टिस और रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। लर्निंग एनी टाइम एनी वेयर, यानी कहीं भी कभी भी आप जो है उनको अच्छे से देख सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल में किसी भी समय कहीं भी अध्ययन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है आपके अनअकैडमी की, क्योंकि आपको चॉइस देती है ये, ठीक है, कि आपके हिसाब से आप कहीं पर भी लाइव रिकॉर्ड आप बाद में देखना चाहते हो तो उसे सेव करके बाद में देख सकते हो। सभी कक्षाओं के नोट्स भी दिए जाते हैं आपको, पीडीएफ आपको यहाँ पर दी जाती है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है और प्रत्येक चौथी क्लास यानी तीन क्लासों के बाद में जो भी आपकी फोर्थ क्लास है वहाँ पर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी कोई भी आपको डाउट्स है तो वो आप बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फ्री प्लान बाई अनअकैडमी, ठीक है। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स। 500 घंटे के लाइव क्लासेस आप देख सकते हो, वीकली फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री लाइव क्विजेस, 20,000 ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। ये सबसे बेहतर बात है, ठीक है। ACF के लिए भी अभी जो है प्रोग्राम चल रहा है, ACF का अगर आप कोर्स देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। करना क्या होता है, अनअकैडमी का डाउनलोड यूज जो है ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद कोड यूज करके आपको अनलॉक करना होता है फ्री प्लान। यहाँ पर देखो दो तरह की क्लासेस होती है, एक होती है फ्री क्लासेस, ठीक है, और दूसरी होती है आपके प्लस के अंदर चार्जेस क्लासेस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फ्री क्लासेस भी। करना क्या है आपको, सबसे पहले आरपीएससी का ये जो आपके अनअकैडमी का ऐप है इसको डाउनलोड करना, ठीक है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में मैनेज स्कूल के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखो आरपीएससी के बाद में प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, उसके जस्ट नीचे फ्री लाइव क्लासेस आ रही है। यहाँ पर आप फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये फ्री लाइव क्लासेस है, इन फ्री लाइव क्लासेस का भी आप जो है फायदा उठा सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। लेकिन कुछ फायदे होते हैं प्लस क्लासेस में, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड होती है और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, ठीक है। कितना चार्जेज है, विष्णु वन मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज़ करोगे आप तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और केवल 315 रुपीज़ पर मंथ में आपको जो है कोर्स अवेलेबल होगा 7,560 रुपीज़ में। इसके अलावा देखो रीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उनके लिए देखो रीट लेवल वन के लिए दिशा नाम से कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जल्दी 25 जनवरी से शुरू हो जाएगा वो, ठीक है, 3 मंथ के लिए। और रीट लेवल टू फिर दिशा नाम से एक कोर्स शुरू करेंगे जो सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और सोशल स्टडीज़ यानी एसएस के लिए होगा। ये भी कितने के लिए होगा, ये भी आपके 3 महीने के लिए होगा, ठीक है, दिशा के नाम से। आरएस फाउंडेशन का कोर्स संकल्प के नाम से जो है 27 जनवरी से 11 महीने के लिए चलने वाला है, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रिवाइज कोर्स ACF का जो है ये है पटवार के बीच भी यहाँ पर चल रहे हैं। साथ ही RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC सेकंड ग्रेड, राजस्थान के सब इंस्पेक्टर, पुलिस कॉन्स्टेबल, इनके बीच जल्दी ही आने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखो दिशा लेवल टू के लिए, मैथ साइंस के लिए और आपके SS के लिए, ये सभी हिंदी के अंदर अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आइए अब स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का विष्णु कुमार की क्लास के अंदर, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान का अपवाह तंत्र, ठीक है। राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर सबसे पहले तो अपन ये रिवाइज करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था, यानी कल हमने क्या क्या देखा था, उसके बाद में ही आगे चलेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले आगे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसके बाद में आगे जाएंगे तो बहुत सारा मतलब निकलने वाला है, ठीक है। क्योंकि रिविज़न आप तो करते हो कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन रिविज़न करवाना ये लगभग मेरी जिम्मेदारी मानता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अपवाह तंत्र को हमने
तीन भागों के अंदर बांटा है, सब अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कुल कितना परसेंटेज है, तो 16.5% है, और बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र आपके 23.3% है, और अंतः पर्वत अपवाह तंत्र 60.2% है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी जो अरावली पर्वतमाला है ये आपके जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो आपके शिवालिक माउंटेन टेन से शुरू होती है, अरावली के साथ साथ में विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट होते हुए क्रॉस करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, राजस्थान के अंदर देश की कुल सतही जल की बात करें तो 1% है भारत का, और राजस्थान में कुल भूमिगत जल की बात करें, भारत की कुल भूमिगत जल की तो 1.67% है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है हमारे लूणी नदी का उद्गम नागपहाड़ से होता है, उसके बाद में ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है, यानी राजस्थान के 6 जिलों के अंदर प्रभावित होती है और इसके अंदर 4 बांध बने हुए हैं। अजमेर के अंदर इसे सागरमती या साकरी कहते हैं, जब इसमें सरस्वती नदी आकर मिलती है तो इसे लूणी नदी कहते हैं। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद खारा होता है, इसलिए खारी मीठी नदी कहते हैं। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है, इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं, इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि मरुस्थल की गंगा आपके लूणी नदी को कहते हैं और मरु गंगा आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। जालौर के अंदर इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे नेड नाडा या रेले के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। कितनी है? 330 किलोमीटर। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का ये 10.40% है। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है और अरावली पर्वत को काटने वाली नदी है ये, ठीक है ना, क्योंकि नागपाड़ से निकलती है तो अरावली पर्वत को काटते हुए आगे बढ़ती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब चूंकि ये पाली, जालौर, सिरोही में बहती है और पाली, जालौर, सिरोही को गोडवाड़ा बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और ध्यान देना, बिसलदेव रासो जो नरपति नालय ने लिखा था, जो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि था, ठीक है ना, वो उसने बिसलदेव रासो जो लिखा था वो आपके गोडवाड़ी भाषा में ही लिखा गया है, बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध, जो पाली में है, जो लूणी की सहायक नदी बांडी के ऊपर बना हुआ है। ध्यान देना, बांडी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बुईल, ठीक है। दूसरा है जवाई बांध। जवाई बांध का जो है ये पाली में है और ये जवाई नदी के ऊपर स्थित है। ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये पेयजल की आपूर्ति करता है किसको? जोधपुर, पाली और आपके सिरोही को। पानी की आपूर्ति इसमें कहाँ से होती है? एक सही जल सुरंग बनाई गई है। कहाँ से बनाई गई है? उदयपुर से कहाँ तक के लिए? पाली तक के लिए। राजस्थान की कौन से नंबर की सुरंग है? राजस्थान की दूसरी जल सुरंग है। तीसरा बांध है जसवंत सागर या पिचियाक बांध, ठीक है। ये जोधपुर के अंदर बनाया गया है, कौन सी नदी पर? लूणी नदी पर। ध्यान देना, चारों बांधों में से केवल ये एक बांध है जो मुख्य रूप से लूणी नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसे आप पिचियाक बांध कहते हो या फिर जसवंत सागर बांध कहते हो। चौथा बांध है बांकली बांध, जो कि जालौर में है, कौन सी नदी पर है? सुकड़ी नदी के ऊपर है, ठीक है। तो ये चार बांध है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी ध्यान रखिएगा। हेमावास बांध, जवाई बांध, ठीक है, जसवंत सागर बांध और बांकली बांध। उसके बाद देखो, इसकी सहायक नदियों की हमने बात करी, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रज, मोहन, शर्मा, जम्मू कश्मीर में सेट हो गया। B4 बांडी, J4 जोजरी, M4 मिठड़ी, S4 सुकड़ी, J4 जवाई, K4 खारी, S4 सागी। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो है नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें से बांडी नदी हेमावास पाली से निकलती है, ठीक है, जोधपुर की सीमा पर। कहाँ पे मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है और हेमावास बांध बांडी नदी पर पाली में बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं जोजरी नदी की। जोजरी नदी का उद्गम पांडलू गांव नागौर से होता है, लूणी नदी की दाई तरफ से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ध्यान देने की बात है, अरावली से जिसका उद्गम नहीं होता ये जोजरी नदी है, ठीक है। और इसी जोजरी नदी के ऊपर वाटर फ्रंट योजना बन रही है, कहाँ पर? बोरानाडा, जोधपुर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती है और लूणी नदी की सहायक नदी है। विनोद जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, हार्दिक अभिनंदन, ठीक है। सुकड़ी नदी देखिए नंबर 4, ये देसुरी की पहाड़ियाँ पाली से निकलती है और आपके पाली, जालौर, बाड़मेर में बहती है। बाड़मेर का एक स्थान है समदड़ी, इस नाम समदड़ी नामक स्थान के ऊपर जाकर ये कहाँ पर चली जाती है? जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। ध्यान देना, सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी की सहायक नदी है। अब चूंकि जवाई नदी भी किस में जाके मिलती है? लूणी में मिलती है, इसलिए हम कह देते हैं कि सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। भाविका जी स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन, ठीक है।
सुकड़ी नदी के ऊपरी जालोर शहर बसा हुआ है। संत पीपा जी का जो मंदिर है वो बाड़मेर में, वो सुकड़ी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, बना हुआ है, और सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है आपके जालोर में, ठीक है, जो आरएस प्री के अंदर पूछा जा चुका है। उसके बाद आती है जवाई नदी। जवाई नदी, जवाई कहाँ से उद्गम होती है, गोरिया गाँव है एक, ठीक है ना, ऐसे समझो कि जवाई जो होते हैं ना वो बहुत गोरे होते हैं, तो जवाई नदी गोरैया गांव से, ठीक है ना, बाली तहसील पाली से निकलती है। उसके बाद देखो जवाई नदी जो है जालोर और बाड़मेर में बहती है, और बाड़मेर का एक क्षेत्र है गुडा क्षेत्र, जहाँ पर लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध बना हुआ है, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सुगर बोलते हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये फोटो इसी का है, ठीक है ना। पाली से विनोद जी स्वागत है आपका, बहुत ही बढ़िया है। पालिका का पुराना नाम पालिका था, ठीक है ना, कल प्रश्न पूछा गया था कि पाली का पुराना नाम पालिका है। और जो सुगड़ी नदी है ना वो इस जवाई की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खारी नदी, खारी नदी पर विशेष फोकस करना। महान जी गुड मॉर्निंग स्वागत है, खारी नदी पर फोकस करना भाई। खारी नदी शेरगढ़ की पहाड़ियों सिरोही से निकलती है, कहाँ से निकलती है, शेरगढ़ की पहाड़ियाँ सिरोही से, और जालोर के अंदर किस में मिल जाती है, जवाई नदी के अंदर मिल जाती है भैया, ठीक है। तो एक खारी तो ये हो गई है, फिर आगे तीन खारी और आएगी, ठीक है, सॉरी दो खारी और आएगी, यानी खारी खारी के नाम से आपके तीन नदियां हैं। बिल्कुल बनवाए था, सही कह रहे हो आप, ठीक है। अगला देखो सागी, सागी नदी जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है जालोर और बाड़मेर में, और बाड़मेर में लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात है, एक आपके अधीनस्थ बोर्ड ने एक एग्जाम में ये पूछा कि गुहिया किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान देना गुहिया बांडी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये सात इंपॉर्टेंट नदियां हैं, किसकी, आपके लूनी की सहायक नदियाँ, यानी ब्रज मोहन शर्मा जम्मू कश्मीर में जाके सेट हो गया, ठीक है, यानी बी फोर बांडी, जे फोर जोजरी, एम फोर मिटड़ी, एस फोर सुकड़ी, जे फोर जवाई, के फोर खारी और एस फोर सागी, ठीक है। हाँ तीन नदियां हैं खारी, विनोद जी तीन नदियां हैं खारी, ठीक है ना। एक नदी के बारे में हमने बात कर ली है, दो नदियों के बारे में और आगे बात कर लेंगे, ठीक है। लूणी बेसिन सर्वाधिक किस जिले में है, तो ध्यान रखना बाड़मेर जिले में, कितने जिलों में विस्तृत है, 11 जिलों के अंदर विस्तृत है। उसके बाद हमने देखा था माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये देखो विंध्याचल की पहाड़ियाँ है, जहाँ पर एक अमरेरू पहाड़ी है, इसी अमरेरू पहाड़ी के अंदर एक धार जिला है, ठीक है ना, इस धार जिला में ही अमरेरू पहाड़ी है, यहीं पर एक मेहद झील है, यहाँ से मध्य प्रदेश से यानी मेहद झील से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान के खांडू बांसवाड़ा के अंदर एंटर करती है, उसके बाद में बांसवाड़ा के अंदर बहती है, और बांसवाड़ा के अंदर दो बांध बनाती है, एक बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, दूसरा बांध का नाम है कागदी पिकअप। उसके बाद में नदी वापस थोड़ा ऊपर जाती है और यू आकार में टर्न लेती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये सलकारी गांव डूंगरपुर से वापस बाहर निकल जाती है, और जहाँ पर बाहर निकलती है वहाँ पर गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है दाहोद डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है, दाहोद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आगे निकलती है और गुजरात में ही एक कडाना बांध बनाती है और खंबाती खाड़ी में चली जाती है, ठीक है ना। खंबाती खाड़ी कहाँ पर है, खंबाती खाड़ी आपके महाराष्ट्र और गुजरात के पास में, जो अंदर घुसा हुआ भाग है ना महाराष्ट्र और गुजरात के पास में, इसे खंबाती खाड़ी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी लंबाई है, राजस्थान में इसकी 171 किलोमीटर लंबाई है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, कितने राज्यों में बहती है, तीन में, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। राजस्थान में कितने जिलों में बहती है, दो में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आगे देखो जाखम नदी, जिसका उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है, जिसके अंदर जाखम डैम बना हुआ है, एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, जाखम नदी। एक नदी आती है आपकी बीछा मेढा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, उदयपुर में है, जो उदयपुर और डूंगरपुर में बहती हुई एक नदी आती है। तो ये तीनों नदियाँ मिलती है कहाँ पर, एक त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है ना। कहाँ पर मिलती है ये, नवाटापुरा गाँव में, जो कहाँ पर है, आपके डूंगरपुर में है, ठीक है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, किसका मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ इस मेले को बोलते हैं, और ये मेला कहाँ पर लगता है, बेणेश्वर धाम पर लगता है, ठीक है। तो ये एक आपकी त्रिवेणी संगम है, इसके अलावा तीन त्रिवेणी संगम और आएंगे आगे। चलिए माही नदी को क्या बोलते हैं, काटल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोलते हैं, ठीक है। सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये माही नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था, ठीक है। और सुजलाम परियोजना क्या है, ये बाड़मेर के अंदर खारे पानी को मीठा पानी बनाने की, या खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाने के लिए चलाई गई एक परियोजना है, सुजलम परियोजना। उसके बाद आगे देखो माही की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो ए अन्ना चारपाई में सो जा, ए यानी एराब, अन्ना यानी अन्नास, चा यानी चाप, मे यानी मोरेन, सो यानी सोम, जा यानी जाखम। इसके अलावा सातवें नंबर की एक नदी है जिसका नाम है ईरू नदी, क्या नाम है, ईरू नदी, ठीक है। तो ये सात इसकी सहायक नदियाँ हैं।
देखो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली उल्टा यू की आकृति बनाने वाली नदी का नाम है माही। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे है। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। कांगो, जायरे या लिम्पोपो ये दोनों नदियां कहाँ पर है? आपके अफ्रीका में है, ठीक है ना? ध्यान देना इस बात पे, अफ्रीका महाद्वीप में। एराब नदी कहाँ पर बहती है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बहती है और माही में मिल जाती है। अनास नदी कहाँ बहती है? आम्बेर मध्य प्रदेश से आती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान से माही में मिल जाती है। चाप नदी ये बांसवाड़ा के अंदर एक पहाड़ियाँ है जिसका नाम है काली जरा की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ से निकलती है और माही में मिल जाती है। मौर्य नदी डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर माही में मिलती है। इरू नदी, ये प्रश्न आया हुआ है कि माही बजाज सागर बांध के पास में कौन सी नदी आपके माही नदी में मिलती है? तो इरू नदी इसका नाम है भैया। क्या नाम है इसका? इरू नदी। ध्यान देना इस बात पे, आगे बढ़ो। ये हमने देख लिया आपके सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है और उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई माही नदी में मिलती है। इसी तरीके से हमने देखा जाखम नदी का उद्गम छोटी सादरी प्रतापगढ़ से होता है, डूंगरपुर और माही में मिलती है। अब आगे देखो, सोम नदी की एक बात करें हम तो सोम नदी के ऊपर दो परियोजनाएं हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। दूसरी बात पे ध्यान देना, सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। कौन सी नदी पर है? आपके सोम नदी पर है। ध्यान देना भाई इन दोनों परियोजनाओं के बारे में, कई बार एग्जाम में सीधा सिंपल पूछता है कि ये परियोजना कहाँ पर है। अगर हम बात करें जाखम बांध की, जाखम बांध कहाँ पर है? अनूपपुरा गांव में है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर। कितनी ऊंचाई है? 81 मीटर की ऊंचाई है। कितनी? 81 मीटर की ऊंचाई है भैया, ध्यान देना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और यहाँ पर सीता माता अभयारण्य भी स्थित है, यानी इस क्षेत्र में कौन सा अभयारण्य है? सीता माता अभयारण्य। आप जानते हो उडन गिलहरी के लिए और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य सीता माता है, जो कि आपके हिमालय के बाद में सबसे ज़्यादा औषधीय पादप रखता है, औषधीय गुण रखता है सीता माता अभयारण्य। यहाँ पर उडन गिलहरी मिलती है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है। सोम कमला अंबा तो सर जयन के पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा मान जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि आया था और आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने देख लिया होगा भाई, सीधी सी बात है। सुबह 7 बजे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 7 बजे पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कुछ अच्छा ही चल रहा है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे आए हुए हो, ठीक है। बाकी नींद सबको आती है, इतनी मस्त आती है जिसकी हद नहीं है, ठीक है ना, ये भी आप जानते हो। आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ये जाखम बांध हो गया है। अब देखो माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध देखिए, ये माही नदी के अंदर, माही नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। लंबा बांध का मतलब क्या है कि ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, जो फोटो देख रहे हो ना आप इसके अंदर, ठीक है ना, ये फोटो ये आपके माही बजाज सागर बांध की है। किसकी? माही बजाज सागर की। देखो ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात का हिस्सा 55% है, राजस्थान का हिस्सा 45% है, ठीक है ना। अब देखो इसके निर्माण के अंदर तो इतना इतना रुपया खर्च हुआ था, लेकिन विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होता है 140 मेगावाट। कितना? 140 मेगावाट। और ये टोटल किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। अब आप बोलोगे कि साहब राजस्थान का हिस्सा तो 45% है, तो फिर ये 100% क्यों मिल रही है? क्योंकि भैया राजस्थान के अंदर जो एरिया है ना, ये दक्षिण वाला, इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जो है आप रखिए पूरी बिजली और आप इस क्षेत्र का विकास कीजिए। ये इसकी खास बात है माही बजाज सागर की, ठीक है। आप जानते हो ये माही बजाज सागर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जमुना लाल बजाज के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जमुना लाल बजाज। अब देखते हैं दूसरी नदी, तीसरी नदी, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नया सनवार सिरोही नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये आबू शहर जो है आपके सिरोही के अंदर, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और एक नदी आकर मिलती है कुकड़ी नदी, जो कि सिरोही में ही बहती है। कहाँ बहती है? सिरोही में। उसके बाद में एक नदी आकर बहती है जो जिसका उद्गम तो कहाँ से होता है? सिरोही से होता है, लेकिन गुजरात में जाकर आपकी किस नदी में मिलती है? आपके पश्चिमी बनास नदी के अंदर मिलती है भैया। और पश्चिमी बनास नदी के अंदर गुजरात का एक प्रमुख शहर है डीसा। क्या नाम है? डीसा प्रमुख शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
उसके बाद में ये छोटे कच्छ के रण के अंदर चली जाती है जो कि अरब सागर का भाग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर है। कितनी? 260 किलोमीटर। तो ये हो गई पश्चिमी बनास नदी। गुजरात में कहाँ प्रवेश करती है? बनासकांठा नामक जिले के अंदर प्रवेश करती है, गुजरात के अंदर। आगे बढ़ते हैं, साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा के पठार से होता है, ठीक है ना। गोगुंदा के पठार पदराड़ा से इसका उद्गम होता है भैया, ठीक है। और ये उदयपुर का पठार है, और उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के आकार का जिला है उदयपुर। और उदयपुर को क्या बोलते हैं? माउंटेन और फाउंटेन का शहर बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं, ठीक है ना। और झीलों का देश किसे बोलते हैं? झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को। और फिनलैंड कहाँ पर है? आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ध्यान रखना। झीलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं, झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है, फिनलैंड। चलिए, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है साबरमती नदी। और साबरमती नदी का उद्गम होता है, उसके बाद में ये गुजरात को क्रॉस, गुजरात के अंदर एंटर करती है, ठीक है ना। गुजरात में जहाँ पर एंटर करती है उसका नाम है साबरकांठा। कहाँ पर एंटर करती है? साबरकांठा में एंटर करती है, ध्यान रखना। और मैंने आपको कई बार बता दिया साबरकांठा कि कांठा का मतलब क्या होता है। कांठा का मतलब होता है भैया वह क्षेत्र जो जिस क्षेत्र के अंदर किसी नदी का प्रवाह होता है, तो उसे कांठा बोलते हैं। बिल्कुल भाविका जी, फिनलैंड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। और इसी नदी के किनारे गुजरात के अंदर गांधीनगर बसा हुआ है और अहमदाबाद बसा हुआ है, ठीक है। इस अहमदाबाद की बात बताऊं, मैं जब बचपन में छोटे हुआ करते थे ना, तो ऐसा प्रश्न पूछते थे आपस में कि यार अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ऐसे ऐसे देश का नाम बता, या ऐसे जिले का नाम बता, या ऐसे राज्य का नाम बता जिसके अंदर संस्कृत का शब्द हो, इंग्लिश का शब्द हो और हिंदी का शब्द हो। तो हम बोलते थे अहमदाबाद। तो बड़ा अच्छा लगता था कि जीके बहुत बढ़िया है। खेमचंद जी, स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप खेमचंद जी? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है। तो ये गांधीनगर और अहमदाबाद, ये दोनों क्या है, इसके किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद में ये चली जाती है कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में चली जाती है। उसके बाद में जो खंभात की खाड़ी है वो किसका भाग है? आपके अरब सागर का भाग है। ध्यान देने की बात है कि इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 45 किलोमीटर है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि साबरमती के अंदर इससे बाहर प्रश्न आएगा, ठीक है, इससे बाहर आएगा तो हम कवर कर लेंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं। सवाई राम जी, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। देखो, वैसे हमें मावा चाहिए, जैसे मान लो आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जैसे सैनी साहब मेरे मित्र हैं, तो ये बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या खाओगे, तो ये बोलेंगे कि साहब हमें तो मावा खिलाओ आप। वैसे हमें मावा चाहिए। तो वे का मतलब क्या है? वेतराई। से का मतलब क्या है? सेई। है का मतलब क्या है? हतमती। और वा का मतलब क्या है? वाकल। ये चारों इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जो कि आपके आपके डूंगरपुर गुजरात, उदयपुर गुजरात और उदयपुर गुजरात में बहती है। केवल नाम ध्यान रखो नदियों की, सहायक नदियों का नाम ध्यान रखो, ठीक है ना। जो आरएस का पेपर देना चाहते हैं वो ये ध्यान रखें, क्योंकि ये एक प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ है? कि काली सिंध की चार सहायक नदियों के नाम लिखिए, ठीक है ना। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए साबरमती की चार सहायक नदियों के नाम लिखिए। सोच बड़ी रखो साथियों। देखो, मैं यूँ नहीं कर रहा कि मतलब सीधा ही आप क्या है मतलब आरएस की तैयारी करो या वो करो, जो भी आपका टारगेट है उसको फटाफट से करेक्ट करके आने वाला जो आरएस का वैकेंसी है उसके अंदर कूदो भैया, कूदो। क्यों? क्योंकि 1000 के आसपास पोस्ट है, बार बार मौका नहीं मिलता है। देखो, भारत के संविधान ने सबको अपने व्यक्तित्व के निर्माण का क्या दिया है, आपको राइट दिया है कि आप आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। तो क्यों नहीं आप राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा या भारत की सबसे बड़ी सेवा के अंदर अधिकारी बनकर ही अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और इस भारत के विकास के अंदर भागीदार बने। आपको पता है जो कोवैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, ठीक है ना, उस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और आज अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, 93 देशों ने भारत से संपर्क किया है कि आपकी वैक्सीन ज़्यादा ट्रस्टेड है और आपकी वैक्सीन हमें भी चाहिए। और भारत ने पता है आपको नेपाल को और भूटान को और बांग्लादेश को, मालदीव को और सेशेल्स को, इन सभी को फ्री के अंदर वैक्सीन दे रहा है भारत, ठीक है ना, फ्री के अंदर वैक्सीन दे रहा है इनको। और साउथ अफ्रीका से 315 रुपये पर डोज के पैसे ले रहा है, ठीक है ना, 5 लाख डोज वहाँ पर देगा। ऐसा है भारत, तो आप गर्व करो कि आप भारत देश में रहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है गग्गर नदी, ठीक है ना। गग्गर नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट। कहाँ से निकलती है? कालका की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि शिवालिक रेंज हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बाद में हरियाणा में बहती है, फिर पंजाब में बहती है, उसके बाद में राजस्थान की टिब्बी तहसील,
तलवाड़ा हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में बहती है, उसके बाद में श्री गंगानगर में बहती है। अगर और ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। अब ध्यान देना, जिस तरह ज़्यादा पानी आता है तब ये यहाँ तक जाती है, नहीं तो उससे पहले ही ये रुक जाती है। कौन कौन से राज्य में बहती है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, चार राज्यों के अंदर बहती है, ठीक है ना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है भैया। कैसी नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। आप बोलोगे अंतर्राष्ट्रीय कैसी हुई? तो भैया पड़ोसी देश पाकिस्तान में जा रही है ना, पाकिस्तान हमारा थोड़ी है, हमारा था, हमारा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जाती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और आपको पता है कालीबंगा और पीलीबंगा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं इसी नदी के किनारे बसी हुई है। ऋग्वेद काल में एक नदी हुआ करती थी, सरस्वती नदी, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि ये नदी जो है सरस्वती नदी का अवशेष है, और सरस्वती नदी को ऋग्वेद के अंदर नदी तमा के नाम से जानते थे। किस नाम से? नदी तमा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो देखिए, इस सरस्वती नदी वर्तमान में क्या है, ये विलुप्त हो गई है। तो आपके जो पिछली सरकार थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर दो व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई थी। उनको ये जांचना था कि सरस्वती नदी कहाँ पर बहती है, जांच की ये बताओ। उस व्यक्ति का नाम है एस राम वाड्रे और हनुमंत राव। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट दी, क्या नहीं दी, ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट जाँच में सामने नहीं आई है कि ये स्थिति है, ठीक है। क्योंकि सरकार बदलते ही बातें बदल जाती है और मामले बदल जाते हैं। उसके बाद देखिए तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में है और सबसे नीची झील है। आपसे पूछे कि सबसे ऊंची झील कहाँ पर है, तो सिरोही में है। सबसे नीची झील कहाँ पर है? आपके तलवाड़ा में है। अगर आपसे पूछे कि अरावली का सबसे उच्चतम शिखर कहाँ पर है, सिरोही में, और सबसे निम्नतम शिखर कहाँ पर है, तो पुष्कर घाटी अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर घाटी अजमेर में। मुझे ये बताओ कि जब मैं ये दोनों लाइन बोली है ना, ये दोनों लाइन समझ में आ गई ना, पुष्कर घाटी वाली। जब देखो, जब कालका की पहाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपके हनुमानगढ़ जंक्शन जो है ना, ये डूब जाता है, ठीक है ना। हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है जब कालका की पहाड़ियों पर बारिश होती है। तो गग्गर का अपवा क्षेत्र पाट या नाली कहलाता है हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और हकरा कहलाता है आपके पाकिस्तान में, ठीक है ना। राजस्थान का शोक किसे बोलते हैं? बहुत बढ़िया, सरस्वती नदी को बोलते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का शोक किसे बोलते हैं? सरस्वती नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। और भारत की विश्वासघाती नदी का नाम क्या है? हुगली नदी है। क्या है? हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्र है, अंतः प्रवाह क्षेत्र की लंबाई है, नदी है इसलिए इसकी कोई लंबाई नहीं होती, लेकिन फिर भी कई गाइड के अंदर, किताबों के अंदर नहीं, गाइड के अंदर, ठीक है ना, मैं साफ बोल रहा हूँ, गाइड के अंदर 465 किलोमीटर की लंबाई लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। भारत में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में अंतः प्रवाह की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या दोगे आप? गग्गर नदी देना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंतः प्रवाह नदी कौन सी है, तो इसका नाम क्या है? कांतली नदी। क्या नाम है? कांतली। ये दोनों प्रश्न समझ गए क्या, कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदी क्या नाम है? कांतली। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदी का नाम क्या है? गग्गर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेबर की पहाड़ियाँ, हेरिटेज सिटी जयपुर से निकलती है, जयपुर में बहती है, अलवर में बहती है, और उसके बाद में हरियाणा के गुड़गांव, जिसका नया नाम क्या है? गुरुग्राम। इसका एक क्षेत्र है पटौदी। यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है, दृश्य दिखाई देना बंद कर देती है, ठीक है। जयपुर में से किनारे एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और हाथी दांत के अवशेष के लिए फेमस है। साबी नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। राजस्थान राज्य कौन सा है? राजस्थान और हरियाणा। और राजस्थान के अंदर कहाँ पर? जयपुर और सिंहद्वार। सिंहद्वार का मतलब क्या है? आपके अलवर, ठीक है। सिंहद्वार का मतलब क्या है कैमचंद जी? अलवर है। और इसकी लंबाई कितनी है? 185 किलोमीटर। हाँ, मृत नदी। हाँ, मृत नदी अपने गग्गर नदी है, ठीक है। सोना जी, स्वागत है आपका। उसके बाद देखते हैं कांतली नदी, ठीक है ना। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र देखो, एक पहाड़ी है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। खंडेला की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, एक गोटे के लिए प्रसिद्ध है। सीकर और झुंझुनू में बहती है। सीकर के अंदर एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है ना, जो सीकर में है, जिसका उपनाम ताम्र जननी है, ठीक है। झुंझुनू में एक सभ्यता है सुनारी सभ्यता। ताम्र नगरी कहाँ पर है? आहड़ में है, ठीक है। और चूरू की सीमा के ऊपर जाकर इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इसी नदी का नाम है कांतली नदी। कहाँ पर बहती है? मुख्य रूप से सीकर और झुंझुनू में। रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का अन्य नाम क्या है? लसवारी नदी या वाराह नदी, ठीक है। ये आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अलवर में है।
अलवर और भरतपुर में बहती है, भरतपुर में मोती झील का निर्माण करती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी भरतपुर में कौन सी झील का निर्माण करती है? मोती झील का। इस मोती झील को लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर बोलते हैं। मोती झील नील हरित सेवाल की N2 युक्त नाइट्रोजन युक्त खाद जो है सबसे ज्यादा मोती झील के अंदर मिलती है, और ये प्रश्न पूछा है आपके अधीनस्थ बोर्ड ने। इसी मोती झील से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। ये सुजान गंगा नहर एक आपके दुर्ग है जिसे आप लोहागढ़ दुर्ग बोलते हो, जिसे आप मिट्टी का दुर्ग या अजयगढ़ बोलते हो, जो कि आपके भरतपुर में है। इसके चारों तरफ जो है खाई बनाकर पानी भेजने के लिए ये नहर काम में आती है, सुजान गंगा नहर। सोनू जी, आपने अरावली वाला क्षेत्र नहीं देखा, ठीक है ना? वहां पर हर्ष पर्वत है, ठीक है ना? देखो दो पर्वत है, एक पर्वत है हर्ष की पहाड़ियां, ठीक है ना, ठीक है ना, और दूसरा पर्वत है हर्षनाथ की पहाड़ियां। ध्यान देना इस बात पे, हर्षनाथ की पहाड़ियां। तो हर्ष पहाड़ी तो ये कहां पर है? ये आपके है जो सीकर में, ठीक है ना, और जो हर्षनाथ की पहाड़ियां है ये आपके अलवर में है, ठीक है ना। तो इन्हीं पहाड़ियों पर आपके जीन माता जी का और उनके भाई साहब जो छोटे भाई थे उनके हर्ष जी का मंदिर है, ठीक है ना, समझ लें बात को। लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां ये कहां पर है? ये आपके अलवर में है। अब देखो कांकनी नदी या मसूती नदी, कांकनी नदी जो है आपके कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है, बुज झील का निर्माण करती है। बुज झील मीठे पानी की झील है। उसके बाद में जब पानी ज्यादा आ जाता है तो ये मीठा खाड़ी क्षेत्र जैसलमेर तक जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सांबर झील के अंदर जयपुर से नदी आती है मेंथा, सीकर से आती है खंडेल, नागौर से आती है खारी। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, देखो दूसरी नदी आ गई ना, खारी नदी। ये खारी नदी, ठीक है ना, अभी एक नदी पढ़ी थी हमने लूणी के अंदर, खारी नदी। अभी नागौर में हमने एक नदी पढ़ रहे हैं खारी, ठीक है। भाविका जी, हर्ष की पहाड़ियां सीकर है और हर्षनाथ की पहाड़ियां उदयपुर, सॉरी इसमें अलवर में है, ध्यान दो इस बात पे, ठीक है ना। हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में है। हर्षनाथ की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है ना। और हर्ष की पहाड़ी सीकर में है, समझ गए क्या? उल्टा बोल रहे हो आप, ठीक है ना। अब देखो एक नदी आती है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी, जो आती है अजमेर से। इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क तीर्थ है, जो एक सगुण संप्रदाय है, जहाँ पर राधा कृष्ण जी की युगल स्वरूप में पूजा करती है। कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रखनी है भाई, ठीक है ना। जैसे आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको कल बताई भी थी वो चीज़, कि जैसे आपको मैं ये कहूँ कि जयसमंद झील कहाँ पर है, जयसमंद झील मुझे बताओ फटाफट, और मैं ये कहूँ कि जयसमंद बांध कहाँ पर है। देखो जयसमंद झील कहाँ पर है, आप सभी जानते हो ना, उदयपुर में है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सॉरी की आवश्यकता नहीं है, नो सॉरी नो थैंक्स सॉरी, ठीक है ना। अब देखो जयसमंद बांध कहाँ पर है, ये जयसमंद बांध आपके अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। ये फर्क होता है, ठीक है। देखो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर है और रामगढ़ बांध कहाँ पर है? रामगढ़ बांध आपके जयपुर में है और रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये आपके बारा में है, समझ लो ना बात को। इस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, अभी देखना आप। आगे देखें, ये देख लिया हमने, तो ये हमारे क्या हो गया था, ये सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए थे। किसके बारे में? हमारी जो अंतःप्रवाह की नदियां हैं उसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम एक इम्पोर्टेंट नदी जिसका नाम है बाणगंगा। क्या नाम है? बाणगंगा। ठीक है ना, अब देखो बाणगंगा नदी, देखो भाई ये आ गया है आपका मेप। तो भैया यहाँ पर ये आपके जयपुर शहर है, क्या कौन सा शहर है? जयपुर। अब ये जयपुर शहर से एक नदी निकलती है, उसके बाद में ये नदी आपके दौसा में बहती है, उसके बाद में भरतपुर में बहती हुई ये नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। नदी दिखाई दे रही है आपको, ये नदी आपके जयपुर से निकली और ये नदी आपके दौसा में बही, उसके बाद में भरतपुर में बही और ये उत्तर प्रदेश में नदी चली गई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नदी आती है भैया जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी आती है? यमुना नदी। और ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है?
यमुना नदी के अंदर ये नदी मिल जाती है। अब यमुना नदी के अंदर जहाँ पर ये नदी मिलती है, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद। ठीक है, और फतेहाबाद कहाँ पर है? फतेहाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान देना, फतेहाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये नदी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक पहाड़ियाँ है, यहाँ पर क्या है भैया? एक पहाड़ी है कहाँ पर? आपके जयपुर में। और इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? इन पहाड़ियों को बोलते हैं आप बेराट की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? बेराट की पहाड़ियाँ। ध्यान देना, बेराट की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है आपके बेराट की पहाड़ियाँ। अब बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आप जानते हो बेराट की पहाड़ियाँ आपके जयपुर जिले में है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी, बेराट की पहाड़ियाँ, ये सभी आपके इसी क्षेत्र में है। और ये पांडवों से संबंधित क्षेत्र रहा है, महाभारत काल में पांडवों से संबंधित क्षेत्र रहा है बेराट की पहाड़ियाँ। अब देखो आगे, ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने जो है अपने तीर के माध्यम से इस नदी का क्या किया? इस नदी का उद्गम किया अर्जुन ने अपने तीर के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए इस नदी को अर्जुन की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। ध्यान देना, अर्जुन की गंगा का नाम क्या है? आपके बाणगंगा नदी, ठीक है ना। और इसी नदी को क्या बोलते हैं? बाणगंगा। क्या बोलते हैं? बाणगंगा, ठीक है ना। और अब चूंकि ये तीर से निकली हुई नदी है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? तीर गंगा। क्या बोलते हैं भैया? तीर गंगा। अब चूंकि ये जो नदी है ये महाभारतकालीन नदी है, इसलिए इसे महाभारतकालीन नदी बोलते हैं, क्योंकि ये महाभारत के समय जो है इसका उद्गम माना गया है, ठीक है ना। अब चूंकि ये महाभारतकालीन है, इसीलिए इसे पंचम वैदिक नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचम वैदिक नदी भी बोलते हैं। ध्यान देना, ये सभी इसी नदी के नाम है, ठीक है ना। बिल्कुल, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, तीर गंगा, महाभारतकालीन नदी और पंचम वैदिक नदी, इसे ही बोलते हैं। अब चूंकि ये नदी जो है कंटिन्यू बहती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विलुप्त नदी। क्या बोलते हैं भैया? विलुप्त नदी। क्यों नहीं, विलुप्त नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लगातार प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका लगातार प्रवाह नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे विलुप्त नदी बोलते हैं। अब ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं रुंडित नदी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रुंडित नदी कौन सी नदी है, ठीक है ना। रुंडित नदी कौन सी नदी है? तो रुंडित नदी भी किसे बोलते हैं? आपके जो ये बाणगंगा नदी है, इसे ही रुंडित नदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रुंडित नदी? क्योंकि यह नियमित रूप से, कौन से रूप से? नियमित रूप से आपकी यमुना में नहीं मिलती। नियमित रूप से यमुना में नहीं मिलती, यमुना में नहीं मिलती। बात समझ आ रही है आपको? नियमित रूप से यमुना में नहीं मिलती, इसलिए इसे रुंडित नदी बोलते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये विलुप्त नदी हो गई, ये आपके रुंडित नदी हो गई। विलुप्त नदी भी इसी का नाम है, रुंडित नदी भी इसी का नाम है। भाविका जी, मेरी लाइव क्लासेस होती है, मैं प्रत्येक दिन लगभग टेस्ट लेता हूँ, या तो सुबह लेता हूँ 11 बजे, या फिर रात को लेता हूँ 9:30 बजे, ठीक है ना, प्रत्येक दिन लेता हूँ मैं। तो विलुप्त नदी भी इसी का नाम है, रुंडित नदी भी इसी का नाम है। रुंडित नदी का मतलब क्या है? नियमित रूप से यमुना में नहीं मिलती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रुंडित नदी बोलते हैं। ध्यान देना, इसी नदी को ताला नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताला नदी। इसी नदी का नाम क्या है? ताला नदी, क्योंकि ये ताल बहुत ज़्यादा बनाती है, इसलिए ताला नदी है। ताल का मतलब क्या है भैया? ताल का मतलब है कि आपके जो तालाब होते हैं ना, वो अभी उन तालाब के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो आपकी बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी की अगर आप लंबाई बता सको, तो इस बाणगंगा नदी की जो लंबाई है, ठीक है ना, बाणगंगा नदी की क्या लंबाई, तो लंबाई ध्यान रखना, इसकी लंबाई है लगभग 240 किलोमीटर। कितनी है भैया? लगभग 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, लंबाई होगी, इसकी कुछ सहायक नदियां भी है, ठीक है ना, सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियां तो क्या बोलो, छोटे छोटे नाले हैं, ठीक है ना। तो नाम ध्यान रखना आप सहायक नदियों का, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो पूछ लेगा ना, छोटे नाले हैं तो क्या हुआ। एक है जिसका नाम है गुमटी नाला। क्या नाम है? गुमटी नाला। ये छोटा सा नाला है जो ये इसमें आकर मिलता है, ठीक है ना। एक है आपके सूरी नदी। कौन सी नदी? सूरी नदी। छोटी सी नदी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, खाली नाम याद रखना है, ठीक है ना। और सूरी नदी हो गई, गुमटी नाला हो गई। एक नदी है जिसका नाम है पलोसन नदी। कौन सी नदी है? पलोसन नदी। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं भाई, जो इसके अंदर आकर मिलती है। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जैसे
गुमटी नाला नदी, सूरी नदी और पलोसन नदी, ये छोटी छोटी इसकी नदियाँ हैं जो इसके अंदर आकर मिलती हैं। अब जैसे मान लो ये बेराट की पहाड़ी से ये नदी निकली थी, ठीक है ना, तो ये देखो कि यहाँ पर क्या है, ये नदी आकर यमुना नदी के अंदर मिल गई, ठीक है, यमुना में मिल गई है, बहुत ही बढ़िया बात है, मिल गई। तो अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, एक आपके मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, देखो यहाँ पर, क्योंकि इसमें थोड़ी समझाने वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये नदी है और ये नदी ये यमुना के अंदर चली गई यहाँ पर, ठीक है, जाने दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है भैया, और ये कौन सा जिला है, ये आपके जयपुर शहर है। कौन सा शहर है भाई, जयपुर शहर, ध्यान देना, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, ठीक है ना। और ये कौन सा शहर है, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला, जहाँ पर देवगिरी की पहाड़ियाँ है, जिसे क्या बोलते हैं, दौसा। उसके बाद में ये एक जाटों की नगरी है भैया पे, ठीक है ना, जाटों की नगरी का मतलब क्या है, आपके भरतपुर, क्या नाम है, भरतपुर, यहाँ पर भी एक बांध बनाया गया है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे साहब ये क्या बात हुई, हाँ बिल्कुल भाई दोस्तों यही बात हुई, और इस बांध का नाम क्या है, जमुआ रामगढ़, क्या नाम है इसका, जमुआ रामगढ़, ठीक है ना। और जमुआ रामगढ़ भाई ऐसा बांध है जहाँ पर 1982 के अंदर एशियाड की प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पर। दौसा के अंदर एक बांध भैया जिसका नाम है आपके रेडियो सागर, क्या नाम है, रेडियो, रेडियो सुनते हो ना आप, रेडियो तो आप क्या सुनते होंगे, आज के नए जमाने के लोग हैं, रेडियो सागर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक बांध है जिसका नाम है माधो सागर, क्या नाम है भैया, माधो सागर। अब ध्यान देना, रेडियो सागर और माधो सागर दोनों बांध कहाँ पर है, दोनों बांध आपके राजस्थान के सबसे छोटे, दूसरे सबसे छोटे जिले में है, जिसका नाम क्या है, दौसा। अगर आप कोई साथी मुझे बताना चाहे तो ये बताओ कि ये बांध कौन सा है, ये बांध कौन सा है भैया, ये बांध कौन सा है। अब मैं आपको इस बांध की कहानी बताता हूँ। इस बांध से एक नहर निकाली गई है, ठीक है ना, इस बांध से एक नहर निकाली गई है, और आपके जो है यहाँ पर एक क्या है भैया, यहाँ पर एक आपके बहुत बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है ना। और इस पक्षी विहार का नाम तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, नाम तो आपको पता लग गया होगा, ये क्या है, इस तरह के बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं इस पक्षी विहार में, ठीक है ना। और इन पेड़ों के पास में क्या है, बहुत सारी आपके क्या मिलते हैं, बहुत सारे पक्षी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और अरे यार भाविका जी क्या कर रहे हो आप, सरिस का कहाँ पर आएगा भरतपुर में, है कहाँ पर आएगा सरिस का, ये क्या है, ये आपके केवलादेव घना पक्षी विहार है, बहुत ही बढ़िया, कौन सा, केवलादेव, बिल्कुल सही कह रहे हो, केवलादेव घना पक्षी विहार, बिल्कुल सही कह रहे हो कनक जी, पक्षी विहार, ठीक है ना, जो कहाँ पर है, जो आपके भरतपुर में है, जो कहाँ पर है, भरतपुर में, ध्यान देना, ये केवलादेव पक्षी विहार आपके नेशनल पार्क है, कौन सा पार्क है भैया, नेशनल पार्क, और साथ में आपके रामसर साइट भी है, कौन सी, रामसर साइट, रामसर साइट भी है ये, ध्यान देना, कौन सी साइट है, रामसर साइट है। अब आगे देखना, घूम आए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ से पानी आता है, अब चूंकि ये क्या है कि विश्व प्रसिद्ध है, अब यहाँ पर पानी तो आता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके ये जमुआ रामगढ़ ही नहीं भरता है, तो रेडियो सागर कहाँ से भरेगा, माधो सागर कहाँ से भरेगा, तो फिर इस बांध का नाम नहीं बताया आपने, ये बांध है आपके अजान बांध, कौन सा बांध है ये, अजान बांध, ध्यान देना, कौन सा बांध है, अजान डैम है ये। अब यहाँ पर तो पानी आता ही नहीं है, तो फिर ये इसमें पानी की सप्लाई कहाँ से करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद आया, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध राजस्थान का, याद आया, और इसका बांध क्या, इस बांध का नाम क्या है, पांचना बांध, क्या नाम है, पांचना बांध। और ये पांचना बांध कहाँ पर है, पांचना बांध कहाँ पर है, करौली में है भैया, कहाँ पर है, करौली में, ठीक है, करौली में। तो इस पांचना बांध को जोड़ दिया हमने किससे, आपके अजान बांध से, किससे जोड़ दिया है भैया, अजान बांध से जोड़ दिया है, और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पांचना बांध को किससे जोड़ दिया, अजान बांध से जोड़ दिया। अब अजान बांध में यहाँ से पानी आता है, और यहाँ से पानी कहाँ चला जाता है, आपके केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर चला जाता है, बात समझ रहे हो क्या। अब देखो, अब पांचना बांध को पांचना क्यों कहते हैं, पांचना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बोरखेड़ा, ये क्या है, ये पांच नदियां है, ठीक है ना,
जो कहाँ पर जाती है, ये आपके करौली के पांचना बांध में जाती है। किस में जाती है? करौली के पांचना बांध में जाती है। बात समझ गए? नाम क्या है इनका? अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बोरखेड़ा। ये जो है पांच नदियां हैं जो आपके कहां पर जाती है भैया? इस पांचना बांध में जाती है। ध्यान देना, पांचना बांध जिस समय बना था उस समय किसका बांध था? मिट्टी का बनाया गया बांध था। किसका? मिट्टी का बनाया गया बांध था ये, ठीक है। हालांकि वर्तमान में इसे किसका बना दिया है? वर्तमान में इसे कंक्रीट का बना दिया है। किसका बना दिया है? कंक्रीट द्वारा इसका पुनः निर्माण कर दिया गया है। कंक्रीट द्वारा निर्मित हो गया है, यानी वर्तमान में मिट्टी का नहीं रहा, ये किसका हो गया? ये कि वर्तमान में आपके कंक्रीट का बना दिया गया है। ध्यान देना, कबीर जी स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन, सुबह की नमस्कार, ठीक है। अब ध्यान देना, जब पांचना बांध बना था तो किस देश का सहयोग लिया था हमने इस बांध को बनाने के लिए? यूएसए का सहयोग लिया था। किसका सहयोग लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग लिया था हमने पांचना बांध को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, इस पांचना बांध के अंदर क्या तैरती है? बतख तैरती है। क्या तैरती है पांचना बांध में? बतख तैरती है। और करौली किस आकार का जिला है? बतख के आकार का जिला है। ध्यान है ना, सब समझ रहे हो ना बात को? इस पांचना बांध में क्या तैरती है? बतख तैरती है भैया, ठीक है ना। और करौली, अब चूंकि पांचना बांध कहां पर है? करौली में है, इसलिए करौली का आकार कैसा है? बतख के समान है। कैसा है? बतख के समान। ये देखो, ये बतख तैर रही है इसके अंदर, ठीक है। और इसका आकार कैसा है? करौली का बतख के समान इसका आकार है, ठीक है। तो ये थी भैया आपकी एक नदी, और जिस नदी का नाम क्या है? आपके बाणगंगा नदी। ध्यान देना, अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण की शिकार, सबसे ज्यादा किसकी शिकार? अतिक्रमण की शिकार यही नदी है। अतिक्रमण से ग्रस्त यही नदी है, ठीक है ना। इसके ऊपर ग्रस्त यही नदी है, इसके ऊपर बहुत सारे एनीकट बन गए हैं, ठीक है ना। और आपको पता है, यहाँ पर आपके जयपुर के पास में एक निम्स यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी, उसने तो इसके पेटे के अंदर ही अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है, हाई कोर्ट भी इसके बारे में बार बार बोल रहा है। और साथ ही आपके जो किरोड़ी मीणा जी है, जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है आपके जयपुर से, सॉरी दौसा से, ठीक है ना, ये लगातार इसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं कि आप इसे रामगढ़ बांध को वापस जिंदा कीजिए, ठीक है ना। जब ये रामगढ़ बांध जिंदा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता है दौसा का रेडियो सागर भर जाएगा, माधो सागर भर जाएगा और अजान बांध भर जाएगा। साथियों, एक चीज बताओ आप मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, एक चीज बताना मुझे आप, आपने इस चीज का, इसका नाम सुना है क्या, जो नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, बताओ यस और नो, इसका नाम सुना क्या आपने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का? बोलो, ये बहुत बढ़िया है कबीर जी, सुना है तो। ये नहर परियोजना ऐसी है कि ये नहर परियोजना है ना, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये आपके क्या है, अभी आरएएस मुख्य परीक्षा में 10 नंबर की आई थी, और आपके जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी अक्षरों के अंदर छपा हुआ है ईस्ट केनाल परियोजना। ये क्या है, एक मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, छोटी छोटी बात ध्यान रखना। आपके जो कालीसिंध नदी है, आहूर नदी है, पार्वती नदी है, परवन नदी है, ठीक है ना, इन नदियों का जो अतिरिक्त पानी आता है, कब आता है अतिरिक्त पानी? वर्षा काल में। इस पानी को एक जो है एक नहर बनाकर हम कहाँ पर लाएंगे? आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लाने की एक परियोजना चल रही है, चल नहीं रही, एक कागजों में चल रही है, जो राजस्थान के 13 जिलों को फायदा देगी और राजस्थान के 25 बांधों को भरेगी, ठीक है ना। और बिसल पुल से कम 3 गुना बड़ा बांध सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा और उससे पूरे के पूरे शहरों के अंदर आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना की कीमत है 37,000 करोड़, कितना? 37,000 करोड़, ठीक है ना, इतना रुपया लगेगा। ये परियोजना मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के काल में बनी थी, अब चूंकि यहाँ पर सरकार चेंज हो गई इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने
राजस्थान की भारत के नीति आयोग और प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया है कि कृपया आप इस परियोजना को यानी ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट को भारत का एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दो। अब राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट जब घोषित करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि उसका सारा का सारा पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बात समझ रहे हो ना? जब इसके जस्ट अपवाह तंत्र के अगला वाला टॉपिक है हमारा सिंचाई परियोजना, भारत की राजस्थान की क्या है सिंचाई परियोजना, तब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बढ़िया तरीके से और बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको क्या है दिमाग में सेट करते रहो धीरे धीरे कि हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपके ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। बात समझ आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये बाणगंगा नदी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपको, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ अतिक्रमण हो रहा है। विलुप्त नदी, रुंडित नदी बोलते हैं इसे, लंबाई सहायक नदियाँ, ठीक है ना। जम्मू रामगढ़ बांध जयपुर में, रेडियो सागर माधो सागर बांध दौसा में, अजान बांध भरतपुर में। अजान बांध से पानी जा रहा है केवलादेव घना पक्षी विहार में, ठीक है ना, जो कि एक नेशनल पार्क है, एक रामसर साइट है। अब चूंकि इसमें पानी नहीं आता तो हमने करौली के अंदर पांचना बांध बनाया, ठीक है ना। पांचना बांध यूएसए की सहायता से बनाया, करौली में स्थित है, मिट्टी का बांध है, लेकिन वर्तमान में कंक्रीट से इसे बना दिया है। अट्टा माची भद्रावती बरखेड़ा और भैसावट, ये पांच नदियाँ आकर इसके अंदर गिरती है, इसीलिए इसे पांचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये नदी आपकी कंप्लीट हो गई जिसका नाम है बाणगंगा नदी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और एक नई नदी की शुरुआत करते हैं जिस नदी का नाम आप देख पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के इटावा मुरादगंज इटावा के अंदर आपकी यमुना नदी के अंदर मिल जाती है और अंततः है गंगा नदी के अंदर मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो यहाँ पर ये आपको एक नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम है चंबल नदी। ये आपके मध्य भारत की प्रमुख नदी है। क्या नाम है? चंबल नदी। अब चंबल नदी देखो किस में मिल रही है, ये आपकी यमुना नदी आ रही है, इस यमुना के अंदर मिल रही है, और यमुना किस में मिल रही है? गंगा में। फिर ये गंगा नदी आगे जाती है और आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। एक का नाम है आपके हुगली नदी, ठीक है ना, हुगली नदी, और एक का नाम है आपके मुख्य गंगा नदी। उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है इधर से, ये दोनों मिलती है और मेघना के नाम से आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो ये है आपके रूट, किसका रूट है? ये आपकी चंबल नदी का रूट है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति बिंदु की और इसके जॉइनिंग पॉइंट की। तो देखो ये चंबल नदी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये चंबल नदी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, और ये देखो ये चंबल नदी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि चंबल नदी का उद्गम होता कहाँ से है भैया, ठीक है ना। तो चंबल नदी का अगर हम बात करें, किसके बारे में? उद्गम की बात करें चंबल नदी के, तो चंबल नदी का उद्गम होता है आपके मध्य प्रदेश राज्य से। कौन से राज्य से होता है? मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़िया है जिसका नाम है विंध्याचल की पहाड़िया। क्या है? विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना। और इन्हीं विंध्याचल पर्वत के अंदर एक पहाड़िया है जिसे आप बोलते हो जाना पाव की पहाड़िया। क्या बोलते हो भैया? जाना पाव की पहाड़िया, जाना पाव की पहाड़िया, ठीक है ना, जाना पाव हिल्स, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ये आपके इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और मध्य प्रदेश में है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। इंदौर जिले मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ियाँ, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में ये नदी आ जाती है आपके यहाँ पर, आगे बढ़ती है और ये नदी आपके एंटर होती है राजस्थान में। कहाँ पर एंटर होती है? राजस्थान में ये नदी एंटर होती है, ठीक है। उसके बाद में ये आपके भैंसरोड़गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर बहने के बाद में कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में ये सवाई माधोपुर के अंदर ये नदी बहती है, उसके बाद में करौली में ये नदी बहती है, उसके बाद में धौलपुर में ये नदी बहती है, और धौलपुर से नदी बाहर निकल जाती है राजस्थान से। कहाँ निकल जाती है? राजस्थान से बाहर निकल जाती है। अब आप बोलोगे सर गुरु जी बाहर निकल के कहाँ जाएगी? तो बिल्कुल बाहर निकल के कहाँ जाएगी, यहाँ से एक नदी आ रही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, जो यमुनोत्री की बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है, और इस नदी का नाम है आपकी यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। यहाँ से ये नदी निकलती है।
अब जिस जगह पर ये नदी मिलती है इस जगह का नाम क्या है भैया? इस जगह का नाम आपके मुरादगंज इटावा है। क्या है? मुरादगंज, ठीक है ना। और मुरादगंज कहाँ पर है? इटावा में, ठीक है ना। एक इटावा आपके जयपुर में भी है, ठीक है ना। ये इटावा आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो एक बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि आपके चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है और चंबल नदी की जॉइनिंग कहाँ पर होती है। तो ये तो हो गया उद्गम और ये हो गया इसका मिलन स्थान। तो दोनों बातें आपको सही में पता लग गई होगी, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये राजस्थान में इसका एंट्रिंग और आउटर पॉइंट कौन सा है, एंट्रिंग और एग्जिट पॉइंट कौन सा है। तो देखो, राजस्थान में यहाँ पर एंटर हुई ना, ठीक है ना, यहाँ पर राजस्थान में एंटर हुई और राजस्थान के अंदर ये जो धौलपुर वाला ये वाला एरिया है, यहाँ से राजस्थान के अंदर बाहर निकली। तो राजस्थान के अंदर हम बात करें, किसके अंदर बात करें? राजस्थान के अंदर हम बात करें ना कि राजस्थान के अंदर इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, ठीक है ना, यानी इसका प्रवेश और इसका निकास ये कहाँ पर है। तो ये भी देख लो, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इसका प्रवेश और इसका निकास राजस्थान में कहाँ पर है। तो राजस्थान के अंदर इसके प्रवेश की बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है भैया? चौरासीगढ़। और ये चौरासीगढ़ जो है किस जिले का भाग है? कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। किसका भाग है? चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। इसका निकास कहाँ पर होता है? तो भाई इसका निकास जो है एक जगह से होता है जिसका नाम है पीनाहट, ठीक है ना। और पीनाहट जो जगह है ये कहाँ पर है? ये आपके धौलपुर में है भैया। कहाँ पर है? धौलपुर में। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, आपने अभी तक दो चीज़ें सीखी है। क्या सीखी है? कि राजस्थान के अंदर ये चीज़, ये जो नदी है ये कहाँ पर एंटर होती है? तो राजस्थान में ये नदी आपके चौरासीगढ़ में एंटर होती है, ठीक है ना। चौरासीगढ़ कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। और राजस्थान में कहाँ से बाहर निकलती है नदी? ये नदी बाहर निकलती है आपके पीनाहट से, ठीक है ना। और पीनाहट कहाँ पर है? आपके धौलपुर में है। कहाँ पर है भैया? धौलपुर में। भाई मुझे ये बताओ, चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं केवल बोले जा रहा हूँ और आपको नींद आ गई हो कहीं रजाई में? हैं, थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करो। हाँ बोलो भाई साथियों। देखो भाई, चीज़ें ऐसा ही है, ठीक है। देखो, दो चीज़ें ध्यान रखना जीवन में। बताऊँ क्या? दो चीज़ें ध्यान रखना जीवन में। क्या ध्यान रखना? कि या तो जाने दो और या जाल लगा दो, ठीक है ना। या तो क्या करो? जाने दो कि मेरे बस की नहीं है, और या क्या करो? या फिर जाल लगा दो कि साहब बस की नहीं है क्या, मैं उसको पूरा कंप्लीट करके ही मानूंगा, ठीक है ना। दो ही बातें होती है जीवन में, तीसरी कोई कहानी नहीं है। या तो फेल होते हैं या फिर पास होते हैं। ऐसा नहीं होता कि फेल पास दोनों हो गए, ठीक है ना। ये जीवन का सत्य ही है, ये मान के चलो आप। भाविका जी बोल रहे हैं बस की है भी कर पाएंगे। बिल्कुल भाई, देखो दो ही बातें होती हैं, या तो जाने दो या जान लगा दो। पढ़ाने के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर तो, ठीक है ना, कि आपको मजा आ जाएगा ज्योग्राफी पढ़ के। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, बहुत पहले भी पढ़ ली है, बहुत बाद में पढ़ ली है। मैं तो ये बोलता हूँ कि रिवीजन करने के लिए आप आए हो, क्योंकि आपको सब पता है पहले, ठीक है ना। खाली ऐसा रिवीजन कर लो कि दिमाग में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सेट हो जाए बस। देखो, चीज़ें बहुत पहले पढ़ी है, मुझसे पढ़ा है, और से पढ़ेंगे, और से पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा है, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि चीज़ आपके दिमाग में नहीं है। दिक्कत क्या है? आपको ये पता नहीं है कि पीनाहट धौलपुर में है, जहाँ से चंबल नदी बाहर निकलती है। अभी तो पता लग गया, बहुत बढ़िया सुरभि जी, ठीक है ना। तो चीज़ों को बढ़िया तरीके से, आपको पता है अरुणिमा सिन्हा के बारे में? अरुणिमा सिन्हा, ठीक है ना, जिनकी एक पैर कट गया था, मतलब उनके गले में एक सोने की चेन थी, उस सोने की चेन की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बाहर पटक दिया था, ठीक है ना। सोने की चेन खींच ली थी कुछ गुंडों ने, जब वो बाहर गिर गई तो उनका पैर कट गया था। और पैर कटने के बाद आप जानते हो हालत ये हो गई थी कि पैर कटने के बाद में उस पेट को चूहों ने कतरने शुरू कर दिया था, क्योंकि बेहोश हो गए थे वो। सुबह जब लोगों ने देखा कि यार एक लेडी यहाँ पर क्या है, रेगुलर आता हूँ मैं, तो एक लोगों ने देखा कि एक लेडी गिरी हुई है, वो बेहोश की हालत में है, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ से उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली के अंदर जब उन्हें 5 दिन बाद में होश आया तो डॉक्टर ने बोला कि सॉरी अरुणिमा जी,
हमने आपके मतलब आपको बचाने के लिए आपका पैर काटना जरूरी था, इसलिए हमने पैर काट दिया। अरुणिमा जी बिल्कुल बोले नहीं कुछ दो मिनट तक, ठीक है ना। तो फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा हौसला रखिए। तो अरुणिमा सिन्हा जी पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान ने जरूर कुछ मुझे अच्छा काम करवाने के लिए, ठीक है ना, अच्छा काम करवाने के लिए जो है ये पैर काटा है। तो डॉक्टर ने बोला क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो आप, पैर कटवा दिया अच्छा काम करवाने के लिए। फिर डॉक्टर ने बोला कि सॉरी मैम आप कभी चल नहीं सकते। उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उसके बाद में उनकी इच्छा क्या हुई पता आपको, कि मैं राजस्थान भारत की जो सॉरी विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है आपके सागरमाथा, या फिर आप क्या बोलते हो माउंट एवरेस्ट, बोला कि इसको फतेह करना है। अब माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए जो बछेंद्री पाल पहली महिला थी, दूसरी महिला कौन सी थी संतोष यादव, पहली महिला कौन सी थी बछेंद्री पाल जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसके पास गई और बोली कि मैडम नमस्ते। तो उसने बोला नमस्ते अरुणिमा कैसी हो तुम, बोला कि मैं बढ़िया हूँ मैम बताओ कैसे आना हुआ। अरुणिमा जी क्या बोलती है पता है कि मैम एक रिक्वेस्ट आपसे, क्या कि मेरी आप हेल्प करो आप। बोला कैसे हेल्प करूँ मैं आपकी, कि मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है क्या माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह करना चाहती हूँ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, चढ़ने वाली के और जो चढ़ाने वाली हेल्प करने वाली बछेंद्री पाल थी, दोनों रोने लग गए थे। दो मिनट बाद में दोनों जब चुप हुए तो उन्होंने बोला कि अरुणिमा तूने तो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, अब तो केवल दुनिया को देखना बाकी है, दुनिया देखेगी। इतना हौसला, इतना जज्बा, इतना कर गुजरने की तमन्ना। और आपको पता है फिर उसी लेडी को, उसी महिला को, अरुणिमा सिन्हा को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। किससे सम्मानित किया था, पद्म श्री से, ठीक है ना। तो भाई त्याग करना पड़ता है, जब वो लड़की अगर पद्म श्री ले सकती है तो अपने तो हाथ पैर सब सलामत हैं, रोटी पानी अच्छे से खा रहे हैं, तो फिर राजस्थान टॉप क्यों नहीं कर सकते। 5 किताबें पढ़नी है केवल आपको, ठीक है ना, केवल 5 किताबें पढ़नी है, इससे एग्जाम पास हो जाएगी, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 किताबें नहीं पढ़ सकते हो क्या, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, चलने के लिए मोटरसाइकिल मिल रही है, आने जाने के लिए, कहीं बाहर रहते हो तो खर्चा भेजते हैं घर वाले, बस यही बात है, इन चीज़ों को सोचो यार। तो आप बोलोगे सर क्या सुबह सुबह डायलॉग दे दिए यार आप, बंद करो ये, है ना, चलो बंद कर देते हैं। बिल्कुल बताता हूँ, अभी आइस को फटो तो सही पहले थोड़ा सा, ठीक है ना। छोटी छोटी किताबें पढ़नी होती है, एग्जाम पास हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे लगा कि कहीं ये सा नहीं सोच ले सर सुबह सुबह भी तो 7:30 अभी तो 8:09 और आप सुबह सुबह डायलॉग देना शुरू कर दिए, अब सारे दिन डायलॉग सुनते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है सर, आप थोड़ा सा आगे चलो प्लीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखो आ जाओ फटाफट, अब बहुत देर हो गई है। ओके, बीच बीच में बात करना जरूरी नहीं, तो क्या कि सो जाएंगे फिर यहाँ पे, आप फिर मैं ही जगता रहूँगा खाली, पता लगा मेरे को भी नींद आ गई फिर। देखो भाई यहाँ पर आपको एक नदी दिख रही है भैया, ये देखो एक नदी दिख रही है ना, ये देखो ये वाली, मैं इसको येलो कलर में करता हूँ तो आपको आसानी से येलो दिख नहीं पाएगा यहाँ पे, ये देखो ब्लैक कलर में करता हूँ, हाँ ये देखो एक नदी दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है ना। इस नदी का नाम है काली सिंध नदी, क्या नाम है, काली सिंध, ध्यान देना देखो इन चीज़ों पर। हाँ यार थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा लैपटॉप के फ़ैन में दिक्कत है, तो मैंने कंप्लेंट करी हुई है, 2-4 दिन में ये वो आके वो फ़ैन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या है आपकी काली सिंध नदी है। देखो इसके पास में एक नदी दिखाई दे रही है आपको, कनक जी बताइए आहू नदी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही, ये आहू नदी है, ठीक है, ये आपके काली सिंध हो गई, ठीक है ना, ये आपके आहू हो गई, ये एक नदी है आपको जो दिखाई दे रही है, ये आपके ये देखो ये नदी, इस नदी का नाम है परवन नदी, क्या नाम है, परवन नदी। उसके बाद में देखो फिर ये एक नदी और है आपके, ठीक है ना, ये नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी, ठीक है ना, ये आपके पार्वती। उसके बाद में यहाँ पर एक नदी और आती है आपके सवाई माधोपुर में मिलती है, ठीक है ना, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सीप नदी, क्या नाम है, सीप नदी। उसके बाद में इधर से आप देखो ये बूंदी के अंदर एक नदी आकर मिल रही है, बूंदी और कोटा, ये मेज नदी है, ठीक है ना,
ये मेज नदी, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे, ये आपको एक नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम है ये बनास नदी। क्या नाम है? ये बनास नदी। ये बनास नदी देखो ये सवाई माधोपुर में आकर मिल रही है। अब यहाँ पर ये तीनों नदियाँ आकर मिल गई, एक का नाम क्या है सीप नदी, एक का नाम क्या है बनास नदी, और एक का नाम क्या है चंबल नदी। और क्या बना दिया इसने? त्रिवेणी संगम बना दिया। क्या बना दिया है? त्रिवेणी संगम बना दिया। समझ रहे हो ना बात को आप? बहुत ही बढ़िया बात है, समझ रहे हो। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। समझ गए बात को आप? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पर ये देखो ये पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी, ठीक है ना। पार्वती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कूल नदी। क्या नाम है? कूल। यानी पार्वती कैसी है? कूल है, क्योंकि पार्वती की सहायक नदी का नाम ही क्या है? कूल है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह से हम क्या है अब इसकी चर्चा करेंगे भैया। तैयार हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? आपके चंबल नदी के बारे में। तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं चंबल नदी। ये है भाई आपकी चंबल। अब देखो भैया चंबल नदी क्या है? सबसे पहले तो बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से आपके अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। कैसी? प्राकृतिक रूप से अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, ठीक है ना। अब प्राकृतिक रूप से कैसे बनाती है? आपको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा इसी नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ मैं इसको। अब देखो मिलूर में आप इसको कंफर्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कल, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, आप बता दिया करो ऐसी कोई चीज़ हो तो, क्योंकि डाउट क्लियर तो करना है। तो ये तो देखो ये तो क्या है आपके, यहाँ पर तो मध्य प्रदेश है इधर, तो ठीक है ना, और इधर क्या है राजस्थान। तो प्राकृतिक रूप से ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है जो किसके बीच में सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। अब देखो एक लड़ाई होती है इसकी लंबाई को लेकर। किसकी लंबाई को लेकर? चंबल नदी की लंबाई को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। क्या लड़ाई होती है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चंबल नदी की लंबाई है 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। समझ में आ गई बात को? अब मैं फिर ये एक बात बोलता हूँ कि चंबल नदी की लंबाई है 1051 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं फिर एक बात बोलता हूँ कि चंबल नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं फिर एक बात बोलता हूँ कि चंबल नदी की लंबाई है 226 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? और फिर मैं एक बात बोलता हूँ कि चंबल नदी की लंबाई है 322 किलोमीटर। अब आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो साहब, समझ ही नहीं आया, पूरा मामला गड़बड़ कर दिया। तो भाई बात ऐसी है, अनेक गाइड में और अनेक जो किताबें हैं उसके अंदर इन ये जो लंबाइयाँ मैंने लिखी है ना, इन लंबाइयों को आप 100% देख लोगे। अब कैसे देख लोगे? वो देखो 966 किलोमीटर की अगर हम बात करें ना, तो देखो 966 किलोमीटर तो क्या है, इस नदी की पुरानी लंबाई है। क्या है? पुरानी लंबाई, ठीक है ना। और 1051 किलोमीटर क्या है? इस नदी की नई लंबाई है, ठीक है ना। क्या है भैया? नई लंबाई। अब आपके दिमाग में आ नहीं रहा क्या सर, नदी की पुरानी नई क्या होती है? नदी की लंबाई बढ़ती है क्या, जो आप कह रहे हो कि पुरानी या नई है? फालतू पागल बनाने की कोशिश मत करो, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे इसरो है ना, इसरो वो क्या करता है कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है। क्या करता है? सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो ये जो नई लंबाई है ना, ये किसके माध्यम से ली गई है? सैटेलाइट के द्वारा ली गई है। जबकि ये जो पुरानी लंबाई थी, ये कैसे? ये अंदाजे से मापी गई थी, ठीक है ना। अंदाजा लगाया गया था इस लंबाई का लगाया गया था, और ये किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा मापी गई है। अब मैं क्या करूं यार, इसरो सैटेलाइट छोड़ रहा है तो छोड़ ही रहा है ना वो, ठीक है ना। और वो इतनी टेक्नोलॉजी दे रहा है कि आप इससे देखो इसको, तो अब अपन क्या कर सकते हैं? तो ये नई लंबाई का मतलब क्या है? नदी की लंबाई नहीं बढ़ी है, जबकि हमने जो देखने का तरीका था वो चेंज कर दिया है। यानी सैटेलाइट के द्वारा लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो भैया, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, हरिमोहन सक्सेना। नाम सुना है कि नहीं सुना बताओ? हरिमोहन सक्सेना नाम सुना है क्या? हरिमोहन सक्सेना का, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। कौन सी ग्रंथ अकादमी? राजस्थान
हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये एक आपके अकादमी है राजस्थान सरकार की, ठीक है ना। इसके अंदर एक लेखक है हरिमोहन सक्सेना, इनकी एक पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक आती है? राजस्थान का भूगोल, ये ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है राजस्थान के अंदर। एक आपके क्या है सुरभि जी, कबीर जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी एक संस्था है राजस्थान में, ठीक है ना। ये क्या करती है? पुस्तकों का प्रकाशन करती है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो इसके अंदर एक राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक आती है, आप भी ला सकते हो, 200-225 रुपए की आएगी, ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं आती है। तो इसमें हरिमोहन सक्सेना ने यह बताया है कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है। कितनी है? 135 किलोमीटर। अब आगे देखो 226 किलोमीटर क्या है। अब मैं क्या करूं यार, मैं तो आपको चीजें क्लियर करने के लिए आया हूं, ठीक है ना। मैं तो नदी की लंबाई नापने नहीं गया ना। आपके राजस्थान के अंदर एक क्या है, एक है आपके प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। ये एक आपकी क्या है, एक कमेटी बनी थी प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन राजस्थान, ठीक है ना। इसने बताया कि राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है इसकी लंबाई 226 किलोमीटर है। कितनी है? 226 किलोमीटर। बोलोगे 322 क्या है फिर? तो सर 322 ये है कि हरिमोहन सक्सेना ये कहते हैं कि आपके नदी को हमने दो भागों में देखा है, चंबल नदी को दो भागों में देखा है। देखो देखो इधर देखो, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एंटर करती है। कहाँ पर एंटर करती है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद में कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? कोटा और बूंदी की सीमा। उसके बाद में सवाई माधोपुर में बहती है। उसके बाद में करौली और धौलपुर में बहती है। तो देखो ये नदी जो है ना, ये यहाँ से लेकर चित्तौड़ में जहाँ से एंटर करती है, यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर तक, ये तो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। पूर्णतः कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। यानी इसके राइट साइड में भी राजस्थान है और लेफ्ट साइड में भी राजस्थान है। लेकिन सवाई माधोपुर के बाद में जो आपकी करौली और धौलपुर वाला एरिया है, इसके एक तरफ तो क्या है आपके? राजस्थान है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? मध्य प्रदेश है। बात समझ गए? तो ये 135 किलोमीटर की लंबाई तो क्या है आपके? पूर्णतः राजस्थान में है। और टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 322 किलोमीटर है। कितनी है? 322 किलोमीटर। समझ गए क्या मैंने क्या बताया है? समझ गए क्या? भाई कमेंट तो कर दो। जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ चीज समझ में आ गई है। बहुत ही बढ़िया कबीर जी। अब देखो, अब यूं मत कहना कि मैं कोई जानबूझ के उलझाना चाह रहा हूँ। मैं कोई उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे जितना पता है ना, मैं उतना आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। जिससे कहीं पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो कि साहब सर ने तो बता दी 1051, या तो मैं 966 पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो इस पहले क्लियर करके चले ना, 966 किलोमीटर पुरानी लंबाई है, 1051 किलोमीटर नई लंबाई है जो सैटेलाइट के माध्यम से पता लगाई गई है, ठीक है। 135 किलोमीटर हरिमोहन सक्सेना जी बताते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, उसमें 135 किलोमीटर लिखी हुई है। 226 किलोमीटर कौन बताता है? प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन राजस्थान, ये एक सर्वे हुआ था, इसमें 226 किलोमीटर बताई है। और 322 किलोमीटर का मतलब क्या है? देखो चित्तौड़गढ़ से लेकर सवाई माधोपुर तक, यहाँ तक तो क्या है, इस नदी के दोनों तरफ राजस्थान है, लेकिन इसके बाद में एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो जो 135 किलोमीटर है ये तो पूर्णतः राजस्थान में है, और जो टोटल लंबाई है राजस्थान में, टोटल लंबाई कहाँ से? 84 गढ़ से लेकर पीनाहट धौलपुर तक। अभी बताया था ना मैंने, राजस्थान के अंदर एंटर और एग्जिट पॉइंट पीनाहट धौलपुर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 322 किलोमीटर है। कितनी है? 322 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था, जो आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो कुछ फैक्चुअल डेटा। चंबल नदी कितने राज्यों के अंदर बहती है? तो चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है शर्मा जी आपका, हार्दिक अभिनंदन। मध्य प्रदेश के बाद में फिर आगे निकलते हैं, फिर हम राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान के बाद में कहाँ पर आते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में हम आते हैं। तो 3 राज्यों के अंदर ये बहती है, ठीक है ना।
राजस्थान के अंदर कहाँ बहती है? तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ध्यान देना, अभी तक हमने 2 नदियाँ पढ़ी है जो राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बहती है। एक नदी का नाम है लूनी नदी और एक नदी का नाम है आपके चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जो है राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बहती है। ठीक है, अगली बात देखिए, चंबल नदी की खास बात क्या है? ये सर्वाधिक यानी सर्वाधिक सतही जल की मात्रा लेके आती है। कौन से जल की? सतही जल की मात्रा लेकर आती है, यानी सबसे ज़्यादा सरफेस वाटर कौन सी नदी में है? आपके चंबल नदी में है। अब चूँकि चंबल नदी जो है सबसे ज़्यादा पानी रखती है, इसलिए यहाँ पर जो है विद्युत उत्पादन क्षमता, यानी इस नदी पर विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ना, उत्पादन क्षमता यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता, वो भी इस नदी के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है। जैसे अगर यही लाइन अगर भारत के लिए पूछे कि भारत पर कौन सी नदी में विद्युत उत्पादन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता है, तो उसका आंसर आएगा आपकी कौन सी? आपके ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि अथाह पानी का भंडार है। साल में 2 बार बाढ़ आती है, एक तो मानसून के दौरान बाढ़ आती है उस नदी में, असम राज्य के अंदर। मैंने आपको बताया था कल कि असम राज्य का शोक सोरो ऑफ असम है क्या? ब्रह्मपुत्र। पर एक जब गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तब भी बाढ़ आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता भी आपकी कौन सी नदी पर है? आपके चंबल नदी पर है। ठीक है ना, ये जो नदी है ये आपके कोटा और बूंदी की प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसकी? कोटा और बूंदी की क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पे। कोटा और बूंदी की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? आपके चंबल नदी बनाती है। ध्यान देना, ये नदी क्या है? सबसे सर्वाधिक गहरी, यानी सबसे गहरी कहाँ पर है ये नदी? सबसे गहरी कहाँ पर है ये नदी? तो ध्यान देना, एक आपकी जगह है केशोरायपाटन। ठीक है ना, केशोरायपाटन। ठीक है ना, और ये केशोरायपाटन जो है ये कहाँ पर है? ये आपके बूंदी में है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गहरे गाच का निर्माण करती है, यानी बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर ये नदी चलती है भैया। कहाँ पर? आपके केशोरायपाटन बूंदी पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्या चलती है? गहराई के अंदर ये नदी चलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस नदी के बारे में, कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें थी ना उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, केशोरायपाटन बूंदी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो, आपने एक बात सुनी होगी, ठीक है ना, क्या बात सुनी होगी? कि ये नदी जो है ना आपके अवनालिका अपरदन करती है। क्या करती है? अवनालिका अपरदन। सुना है कि नहीं सुना? अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो ये नदी करती है आपके अवनालिका अपरदन। ठीक है ना, अवनालिका अपरदन। अब एक बार ये देखते हैं कि अवनालिका अपरदन यानी गुली इरोजन का मतलब क्या होता है। तो देखो भैया, ये मान लो ये आपके बनास नदी है। ठीक है ना, और ये बनास नदी का क्या है? ये बनास नदी का पार्ट है। ठीक है, और ये आपके क्या है? ये आपके चंबल नदी का पार्ट है। ठीक है, अब बनास नदी के दोनों तरफ क्या है? रेत है। ठीक है ना, क्या है? रेत है और मिट्टी है। जबकि चंबल नदी के दोनों तरफ क्या है? ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। किसकी चट्टाने हैं? ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। ठीक है, अब मान लो वर्षा का काल आ गया, वर्षा का सीजन आ गया और बहुत ज़्यादा हो गई वर्षा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, तो बनास नदी में जो पानी आ रहा था, तो बनास नदी ने क्या किया? अपने पार्ट को चौड़ा कर लिया। पार्ट का मतलब समझते हो ना, जहाँ पर नदी बहती है ना, जिस एरिया में, उस नदी को उस नदी का पार्ट बोलते हैं। और इतनी चौड़ाई के अंदर ये नदी बहने लग गई। क्यों बहने लग गई इतनी चौड़ाई में? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? रेत के भंडार हैं। तो रेत का क्या कर दिया इसने? कटाव कर दिया। क्या कर दिया? कटाव। और जैसे ही पानी फिर कम हुआ तो वापस अपनी जो पुरानी सीमा थी उसके अंदर बहने लग गई। अब हम बात करते हैं किसकी? चंबल नदी की। चंबल नदी के अंदर क्या हुआ? पानी बहने लग गया और वर्षा काल में बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया इस नदी में, तो ये नदी अपने दोनों तरफ क्या है? पानी को फैलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोनों तरफ क्या है? ग्रेनाइट के भंडार हैं, यानी ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। अब देखो, बनास नदी ने रेत को तो तुरंत काट दिया और अपने साथ में बहा के ले गई, लेकिन ये ग्रेनाइट अपने साथ में बहा के लेके नहीं जा सकती ना, क्योंकि ग्रेनाइट कटेगा नहीं। तो ये नदी क्या करती है? अपने आप को गहरा बहुत ज़्यादा करने लगती है। क्या करने लगती है? गहरा करने लगती है।
जबकि बनास नदी ने जब पानी ज़्यादा आया था तो क्या किया था, अपने आप को चौड़ाई के अंदर फैला लिया था। और बना और चंबल नदी क्या कर रही है, अब चूंकि चौड़ाई के अंदर फैला नहीं सकती इसलिए वो गहराई के अंदर ज़्यादा गहरी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, गहरी होती जा रही है। इसी को क्या बोलते हो आप, अवनालिका अपरदन बोलते हो, यानी गुली इरोजन बोलते हो। समझ में आया क्या, अवनालिका अपरदन बोलते हो, ठीक है ना। और ये दो प्रकार से दो आकृतियों का निर्माण करता है, एक का नाम है डांग और एक का नाम है बीहड़, ठीक है ना, डांग और बीहड़। और ये जो दोनों क्षेत्र होते हैं, ये दोनों ही क्षेत्र क्या है आपके कृषि कार्यों के लिए, किसके लिए भैया, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। कृषि कार्यों के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, बात समझ गए। तो ये है आपके अवनालिका अपरदन का मतलब कि अवनालिका अपरदन होता क्या है। तो अवनालिका यानी नालिका बन जाती है, अवनालिका यानी गहरी होती जाती है ये नदी, ठीक है ना। इसलिए तो बोलते हैं ना कि चंबल नदी के अंदर कोई गिर गया तो उसकी कहानी खत्म है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर एक तो नदी गहरी है और दूसरा वहाँ पर मेहमान नवाजी करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है बताऊँ आपको, क्या है, ये है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं स्वागत है आपका, मोगेम बखुश हुआ, पहले कहाँ गए थे, जल्दी आना चाहिए था ना आपको, ठीक है। तो ये देखो भैया, इसकी वजह से क्या है, बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये देखो ये क्या है, ये आपके घड़ियाल यानी एलिगेटर, ठीक है ना, क्या है ये आपकी घड़ियाल है, एलिगेटर है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है भैया, ये आपके ऊद बिलाव है, क्या है ये, ऊद बिलाव, ठीक है ना। ऐसा कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, ऐसा कहते हैं कि ये ऊद बिलाव मगरमच्छ को या इस घड़ियाल को भी सल्टा देता है, जब इसके इसके एरिया में आ जाता है ना तो यहाँ भी मामला भारी हो जाता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए आप, एक आपकी गंगा डॉल्फिन, कौन सी, गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना, ये गंगा डॉल्फिन। ये तीनों जो जीव है ना, इन तीनों जीवों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना, किस नदी में, आपके चंबल नदी में संरक्षण किया जाता है, कौन सी नदी में, चंबल नदी में, इन तीनों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ध्यान देना, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि चंबल नदी किस किस का संरक्षण करती है, घड़ियाल का बिल्कुल करती है, ऊद बिलाव का बिल्कुल करती है और गंगा डॉल्फिन का बिल्कुल करती है, मेरे प्यारे साथियों, क्यों, क्योंकि चंबल किस में मिलती है, यमुना में, यमुना किस में मिलती है, ये यमुना हो गई, ये चंबल हो गई, ये किस में मिलती है, गंगा में, ठीक है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या है, आपके डॉल्फिन मिलती है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। पता है आपको, गंगा डॉल्फिन को 2010 के अंदर हमने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, पता है क्या आपको, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था हमने गंगा डॉल्फिन को, पता है आपको 2010 में। और इस डॉल्फिन के संरक्षण के लिए आपको पता हो तो देखो, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, क्या, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम लागू किया था हमने कब, 2010 के अंदर, पता है आपको। इसीलिए तो इस चंबल नदी की भी अंदर हम बात करते हैं कि गंगा डॉल्फिन जो है ना वो चंबल नदी के अंदर भी कई बार आ जाती है, समझ गए बात को। अब आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं मेरी कोशिश इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको लगभग हर चीज़ जो है मैं बेहतर तरीके से दे पाऊँ, जिससे आपको कहीं दूसरी जगह से बिल्कुल भी चीज़ों को पढ़ने की या समझने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। आप केवल यहीं से इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से इन्हें आप क्या कर पाओ, सेट कर पाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई भैया बात इसकी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम कहाँ पर, हमारे टेस्ट के प्रोग्राम पर, बहुत हो गई पढ़ाई, ठीक है ना, कहाँ पर चलते हैं, टेस्ट के प्रोग्राम पर। टेस्ट बड़ा आसान है, बहुत सरल टेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई प्यारे साथियों,
सबसे पहला प्रश्न बताइए आप, भरतपुर बर्ड पेराडाइज नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी भैया, बताइए जल्दी से देखें। अरुणा रॉय ने, सर मार्टिन इवांस ने, राजेंद्र सिंह जी ने या कैलाश सांखला जी ने, किसने लिखी थी? डी कैलाश सांखला, बहुत ही बढ़िया बात है कनक जी। देखते हैं देखें क्या बताते हैं और दोस्त, वो भी यही बताते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा, बोलो भाई। भरतपुर बर्ड पेराडाइज नामक पुस्तक किससे लिखी थी भैया, बताओ तो सही, नाराज क्यों हो रहे हो, आंसर तो दो। अच्छा याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसमें क्या है कि भरतपुर बर्ड पेराडाइज जो पुस्तक है ये लिखी थी एक व्यक्ति था आपके जिसका नाम था सर मार्टिन इवांस। क्या नाम था? सर मार्टिन इवांस। इस वाले व्यक्ति ने आपके ये जो है ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भरतपुर बर्ड पेराडाइज। पेराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो भरतपुर क्या है? आपके पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थल है और है ही, पता है हमें। तो सर मार्टिन इवांस ने इस पुस्तक की क्या करी थी? रचना करी थी भैया। चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्ण मृग और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? माचिया सफारी, सीता माता, ताल छापर या नाहरगढ़, जल्दी से बताइए भैया। अब तो पता लग गया डिलीट करने से क्या होगा कि गलत आंसर दिया। अच्छा कबीर जी बता रहे हैं दूसरे का सी ताल छापर, बहुत ही बढ़िया बात है। कनक जी बता रहे हैं सी, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं देखें क्या कहानी है, और कोई उम्मीदवार आंसर देने लायक नहीं है क्या? नाहरगढ़ नहीं है, ताल छापर चूरू। अच्छा कबीर जी बहुत ही बढ़िया बात है, नारगढ़ नहीं है, ताल छापर नहीं है, सीता माता नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? माचिया सफारी है। क्या है? बहुत ही बढ़िया सावरमल जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है, माचिया सफारी। ये क्या बोल रहा है यार, आपको दिखता नहीं है क्या? मरु वनस्पति उद्यान, ठीक है ना, मरु वनस्पति उद्यान यानी बोटनिकल पार्क की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, यानी जैविक उद्यान की बात कर रहा है। कौन से उद्यान की? जैविक उद्यान की, और वह जैविक उद्यान भी कौन सा? मरु जैविक उद्यान, ठीक है ना, यानी बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो ये मरु बायोलॉजिकल पार्क, ये पहला है आपका माचिया सफारी, यहीं पर आपके क्या मिलता है? कृष्ण मृग और चिंकारा मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाखम, करमोई, नालेश्वर नदियां किस अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है? सीता माता, भैंसोड़गढ़, बस्सी या दर्रा, बताइए फटाफट। जाखम, करमोई, नालेश्वर नदियां, कबीर सिंह जी बहुत ही बढ़िया। देखते हैं देखें आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। बोलो भाई, जाखम नदी अभी अभी मैंने बताई थी आपके प्रतापगढ़ से निकलती है, ठीक है, उसके बाद में आपके डूंगरपुर में आती है, प्रतापगढ़ में एक बांध बनाती है जिसका नाम है जाखम बांध, जो कि सीता माता अभयारण्य से, कहाँ से? सीता माता अभयारण्य से, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसका सही आंसर है आपके सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य आपके चित्तौड़ में, ठीक है ना, आपके प्रतापगढ़ में और आपके उदयपुर में, इन तीन जिलों के अंदर फैला हुआ अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, आपके चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है और आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तालाब बहुजी के तालाब के नाम से जाना जाता है? पद्म सागर, फतेह सागर, तख्त सागर या फिर स्वरूप सागर, बताइए फटाफट। बोलो भाई, बहू जी का तालाब,
ये नालाब नहीं है, तालाब है, ठीक है ना। स्किप, ओ प्लेड किया है अब की बार तो, स्किप अच्छी बात है, ठीक है। पद्म सागर नहीं है, चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको, ऐसा तालाब है जो दो तालाब को जोड़ता है, अब तो बता दो, ऐसा तालाब है जो दो तालाब को जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंच गए हो कबीर जी, बहुत ही बढ़िया शानदार। इसका आंसर है स्वरूप सागर। क्या आंसर है? स्वरूप सागर इसका आंसर है भैया, ठीक है ना। और स्वरूप सागर क्या है आपको पता है? यहाँ पर दो झीलें हैं, एक झील का नाम है राजस्थान भारत मतलब उदयपुर की सबसे प्राचीन झील पिछोला, ठीक है ना, और एक है आपके फतेह सागर। इन दोनों को जो जोड़ने वाला सागर है ना, उसी सागर का नाम क्या है? स्वरूप सागर, जो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। अभी जो ये तख्त सागर है ना, ये आपके जोधपुर में है, ठीक है। और यहीं पर क्या था, अभी एक कैप्टन अंकित कुमार यहाँ पर जो है शहीद हो गए थे, वो कुछ पानी वानी के अंदर डूब गए थे, आपको पता होगा अखबार के अंदर आया था बहुत ज्यादा, ठीक है। निम्न में से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है? तलवाड़ा, चूड़ावाला, सिलीसेड या नक्की, बताओ देखो फटाफट आंसर दो, कौन सा झील है? बोलो भाई बोलो, चूड़ावाला, ओके कनक जी बता रहे हैं बी, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बात है यार, शानदार। सावनवल जी हनुमानगढ़ में स्थित है सिलीसेड, बहुत ही बढ़िया। भाविका जी बता रहे हैं ए, भाविका जी केवल आपका आंसर सही है और बाकी सब पता नहीं सुबह सुबह क्या भांग भांग खा लिए क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आया, ठीक है। अभी कितनी देर से मैं चिल्ला रहा था पहले कि तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में है और सबसे नीचे स्थित झील है, सबसे नीचे स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है, ठीक है। तो कबीर जी मुझे आप बताओ ना, इतना आसान प्रश्न है इसको गलत कर रहे हो आप, ठीक है ना। अब देखो महान जी बता रहे बाड़मेर में है, ठीक है, नक्की झील बाड़मेर में है क्या? नक्की झील कहाँ पर है आपके? हाँ नक्की झील आपके तो पता ही है ना, नक्की झील कहाँ पर है? आगे देखो, तलवाड़ा झील कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में है और सबसे नीचे स्थित झील है, और नक्की झील आपके सिरोही में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तलवाड़ा। चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, बांध है आपके सामने और नदियां है, ठीक है ना, या नदियां या कुछ भी मानो आप, तो इनको आपको इन सही जगह से सेट करना है कि माही का संबंध किससे है, सोम कमला अंबा का संबंध किससे है, सोम कागदर का है और पार्वती का संबंध किससे है, फटाफट सेट कर दो भैया, देखें फटाफट। बोलो भाई जल्दी बोलो, नहीं बोल रहे हो हैं, इतनी नाराजगी, अच्छा सी बोल दिया क्या? अच्छा अच्छा बहुत ही बढ़िया बात है। तो माही नदी का मतलब बांसवाड़ा से सोम कमला अंबा आपके किससे? डूंगरपुर से, सोम कागदर उदयपुर से, पार्वती धौलपुर से, ऑप्शन क्या आया इसमें? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आया। हाँ मल्लीनाथ जी बाड़मेर है भैया, बताओ भाई राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना या योजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? बीकानेर को, जोधपुर को, जैसलमेर को या फिर बाड़मेर को, बताओ भाई फटाफट। बी, अच्छा बहुत बढ़िया बात है, कायलाना, अरे वाह कबीर जी क्या बात है, मजे आ गए आज तो, ठीक है ना। क्या नाम है? कायलाना, ठीक है ना। और दूसरा नाम क्या है इसका? सर प्रताप सागर। क्या है? सर प्रताप सागर। यही एक झील है आपके राजस्थान में जोधपुर में, जिससे पानी आता है किससे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से।
और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिस नहर के माध्यम से पानी आता है ना, उसी नहर का नाम क्या है? राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना, ठीक है ना। और इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कबीर जी, कभी आते हैं जोधपुर तो मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, बुंगरू पद्धति किससे संबंधित है? बताइए, पानी के संग्रहित करने से, पशुपालन से, पर्यटन से या फिर खनन से? फटाफट आंसर दे दीजिए। बुंगरू पद्धति, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा ना ये लाल वाला? अच्छा, कोई बात नहीं है। बताओ भाई, बुंगरू पद्धति का संबंध किससे है? जल्दी बताइए। ओ, स्किप कर दिया है कबीर जी ने तो। भाविका जी बता रहे ए। ओके, मे बी ए, ठीक है ना, मे बी। आपकी तनख्वाह 60,000 है आरपीएस बनने के बाद, आपको मे बी हम 30,000 भी दे सकते हैं और 60,000 भी दे सकते हैं, कौन सा लेना पसंद करेंगे, 30,000 या 60,000? महान जी ये बिल्कुल सही कह रहे हो, बंगरू पद्धति एक आपके पानी संग्रहण की एक पद्धति है, ठीक है ना, यानी जल संग्रहण की एक पद्धति है, पानी से संबंधित है, पशुपालन नहीं होगा, पर्यटन नहीं होगा, खनन नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील उदयपुर, जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? बताइए, आयड़ नदी पे, गंभीर नदी पे, गोमती नदी पर या फिर बनास नदी पर? बताओ भाई। सी। ओके, गोमती नदी, बहुत ही बड़ी, मुझे तो दिखाई दे रहा है अभी तक तो वो पशुपालन वाला प्रश्न चल रहा है, आप आंसर भी दे दिए इसका, आपको फटाफट दिख जाता है क्या? गोमती नदी, बहुत ही बढ़िया बात है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। और जैसमंद झील के पास ही आपके लासड़िया का पठार है, और ये उदयपुर में है, ठीक है ना, कटापटा पठार है, और इसको ढेबर झील भी बोलते हैं, ठीक है ना, कौन सी झील? ढेबर झील, क्योंकि ये ढेबर नामक स्थान से निकलती है इसलिए। और यहीं पर क्या है, ओंदिया बने हुए हैं, अवलोकन स्तंभ, और इसको ही क्या बोलते हैं, जलचरों की बस्ती बोलते हैं। इसके ऊपर 7 बड़े टापू हैं, और इसी झील से 2 नहरें निकाली गई है, एक का नाम है श्यामपुरा, दूसरे का नाम है भाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? बताइए। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप, राजसमंद, नागौर, चूरू या जैसलमेर? 86, 86, 92 में तो काम कंप्लीट हुआ था इसका। सी, चूरू। ओके, बहुत ही बढ़िया कह रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 10 कबीर जी ने बताया है, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, अब आएगा मजा। देखो इसका सही आंसर क्या है, बहुत ही बढ़िया सही आंसर दे रहे हो महान जी, और इसका सही आंसर है आपके राजसमंद, क्योंकि राजसमंद में अधिकतर भूमि कैसी है, आपके पठारी है, कैसी है? पठारी, इसीलिए वहां पर ज्यादा सिंचित क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां पर क्या है, पठार होंगे तो पठार में सिंचाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। भाविका जी ने अब आंसर दिया है, इतनी देर पता नहीं क्या सोच रहे थे आप, ठीक है ना, इसका आंसर है जय राजसमंद, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है भैया, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? जस्ता, जास्पर, वोलेस्टोनाइट या फिर उपयुक्त सभी? अच्छे से आंसर देना, जरूरी नहीं है उपयुक्त सभी हो। बोलो भाई, 11 का आंसर दिया है डी। ओके, सावरमल जी ने दिया है सी। सावरमल जी, बहुत ही बढ़िया। तो बाइक के ऊपर मोबाइल काहे को चला रहे हो भाई? हाँ, इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, घर जाके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुरभि जी का आंसर आया है ए। ओके, सावरमल जी का आया है डी। ओके, बहुत ही बढ़िया है, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। और ये सभी कहाँ पर लिखे हुए हैं, आप राजस्थान का अगर इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा ये, ठीक है ना, कि ये जो है राजस्थान के एकाधिकार क्षेत्र में आते हैं। भैया वे खनिज बताइए
जो राजस्थान में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ऐसे खनिज कौन से हैं? बिस्मित, कोबाल्ट, थोरियम, थोरियम मुल्तानी मिट्टी, फायर क्ले, बेरिलियम, स्लेटी पत्थर, नमक, पायरोफाइट, जिप्सम या बेराइट्स, बताइए। किस बात का अभियान चल रहा है? अच्छा सावरमल जी, मुझे बताओ जिप्सम नहीं मिलती क्या आपके राजस्थान में? हैं सुरभि जी, जिप्सम नहीं मिलती, अल्प मात्रा में पाए जाते, ऐसा पूछ रहा है ये? ज्यादा मात्रा नहीं पूछ रहा, अरे पढ़ो तो सही, क्या कर रहे हो? अच्छा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप, ठीक है ना। इसका सही आंसर है ए, बिस्मित, कोबाल्ट, थोरियम, ठीक है ना। ये जो है ना, ये हमारे राजस्थान में नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। हम मुल्तानी मिट्टी, ठीक है ना, स्लेटी पत्थर, बेरिलियम, पायरोफाइट, जिप्सम, जिप्सम तो राजस्थान में खूब निकलता है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न पे, तो भाई गोट मंगलोद क्षेत्र की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, चांदी, अभ्रक या फिर जिप्सम, बताओ। देखें 13 का डी, ओके। और कहां पर है ये क्षेत्र, गोट मंगलोद कहां पर है, ये भी बता दो थोड़ा सा, जो मैं भी थोड़ा सीख लूं आपके साथ साथ, बताओ भाई। सुरभि जी बहुत बढ़िया आंसर इस बार, तो देखते हैं गलत है कि सही है। गलत हो सकता नहीं है, जो डाउट आ गया वो तो डाउट ही है, फिर ऐसे मान के चलो, ये तो फिर बावली बनाने वाली बातें, हो सकता है। इसका सही आंसर है जिप्सम, और ये कहाँ पर है, आपके नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में, गोट मंगलोद जिप्सम के लिए फेमस है, और कहाँ पर है? नागौर में है। ध्यान देना, कई बार पूछेगा ये दधिमती माता जी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, जोधपुर का बादला उद्योग किस धातु पर आधारित है? तांबा, पीतल, जस्ता या फिर सीसा, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। देखें ओके, एक क्या होता है, मतलब आप तो जोधपुर के हो, आपको तो ज्यादा ही पता होगा, एक ऐसे पानी का बोतल होता है, ठीक है ना, और इस बोतल के ऊपर इस चीज की कोटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसकी कोटिंग, ठीक है ना, जिससे पानी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और पानी कैसा रहता है, बिल्कुल ठंडा रहता है, कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, इसका सही आंसर है सी, जस्ता, ठीक है ना, जस्ता आंसर है इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने तो आंसर दिया नहीं, तो फिर मेरे देखो मैं दे देता हूं कबीर जी के अलावा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में खनिजों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, देश का 90% से ज्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है, जिप्सम उत्पादन में नागौर जिला अन्य जिलों में अग्रणी है, गार्नेट, जास्पर, वोले स्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है, भस्सी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसा आईने अकबरी में लिखा हुआ है, बताइए। देखें कौन सा कथन सही है, या सॉरी कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा कथन है? बोलो भाई बोलो, अंकित कुमार जी स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है, सुबह की नमस्कार, सुप्रभात, चाय की नमस्ते। 15 बहुत देर से आंसर आया है कबीर सिंह का, इसके अलावा तो क्या सो गए क्या, अरे नींद वींद तो नहीं आ गई है? देखो देश का 90% से ज्यादा जिप्सम
आपके राजस्थान में होता है, सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिप्सम उत्पादन में नागौर बिल्कुल अग्रणी है। अभी अभी देखा गोट मंगलोर जो जिप्सम के लिए फेमस है, बस्सी चित्तौड़ बिल्कुल सही है, गार्नेट जास्पर वोलेस्टोनाइट के लिए राजस्थान एकाधिकार रखता है। बस्सी दो है आपके राजस्थान में, एक तो आपके जयपुर जिले में है बस्सी, ठीक है, और एक आपके चित्तौड़ में है बस्सी, ठीक है। बिल्कुल अंकित जी, कबीर जी, आपका आंसर सही है। बस्सी जो है अभ्रक उत्पादक का कोई संबंध नहीं है बस्सी से, जिसका वर्णन आईने अकबरी के अंदर मिलता हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न पे देखो भाई, ये बताओ कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है, कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा, सरस्वती, बताओ। देखें कौन सा नहीं है तेल क्षेत्र। कनक जी का आंसर आया सबसे स्पीड में की बार, धुआंधार, ठीक है। और इन्होंने आंसर दिया है, अंकित जी का भी आ गया है हाथ के हाथ, बहुत बढ़िया अंकित जी, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। महान जी बिल्कुल सी, तो भैया ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी है, ठीक है ना, गंगा के नाम से कोई नहीं है। और कल जब क्लास में आऊंगा ना, एक बात पूछूंगा आपसे मैं कि आप चाहे से कोई भी नाम देखना, किसका, किसी भी तेल क्षेत्र का नाम देखना राजस्थान में, या किसी भी नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के उत्पादन के क्षेत्र का नाम देखना, उनके नाम महिलाओं पर ही क्यों है, ठीक है, मुझे ये बात इसका आंसर देना कल कल क्लास के अंदर, ठीक है ना, कि उनका नाम ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती, गंगा ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है मोहन, श्याम, रामास्वामी, ठीक है ना, ऐसे नाम क्यों नहीं है मिथुन, ऐसे नाम क्यों नहीं है। बिल्कुल बाड़मेर, सांचौर, बेसिन, सही कह रहे हो, इसका सही ऑप्शन है सी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत समय हो गया है आपके साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और चीज़ें आपको समझ आ रही होगी बढ़िया तरीके से। मैं मेरी पूरी कोशिश करके आपके सामने आता हूँ कि बेहतर तरीके से जो है मैं आपको जो दे रहा हूँ उसके अंदर कोई कमी नहीं रहे, उसको बेहतर तरीके से मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो क्लास के लिए तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात का नहीं है, आपका सजेशन का स्वागत है, ठीक है। तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और मेरे में कमेंट जरूर करें। मंगला पुरुष नाम है ना, अच्छा मंगला राम जी, वाह क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया बात, शानदार लगी आपकी बात। तो ये मंगल तो सुना है, लेकिन मंगला राम होता है पूरा नाम, जब मंगला मंगल के साथ राम लगाते हैं तो मंगला राम होता है वो, ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं। केवल मंगला तो मैंने तो सुना नहीं है अभी तक कभी, मंगला राम जी तो जरूर सुना है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपका सभी का धन्यवाद। और इसमें कमेंट भी कर दिया करो भाई, कैसा लगा आपको, ठीक है ना, दिस इज योर अन अकेडमी, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स क्रैक इट। और आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, ठीक है। चलिए अंकित जी, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे और रात को 9:30 बजे राजस्थान जीके के टेस्ट में और इंडियन जीके के टेस्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।